Welcome students, in this fourth class of the amendment. Aaj ki students amendment mein we will look upon to the MAT mein jo amendments hain on account of the Ind AS adjustment wo le lenge and international taxation pe jo amendments aaye hain that is one thing that we will look upon to it. But before that students, bahut khushi ho rahi hai aap logon ke sath announce karne ke liye ki we have already now released the charts. Charts ka first copy mere haath mein aa chuka hai. To अब 12 फरवरी से बुकिंग इसके स्टार्ट हो जाएगी. तो अकॉर्डिंगली ये है आपके जो चार्ट्स हमने बनाए हैं. जैसे मैंने कहा था, अब देख सकते हो ये सिनेरियो में मैं आपको बता दूंगा. इसका देखो लेंथ ही इतना है कि पूरा ये न्यूज़पेपर टाइप का चार्ट है. ये अगर आप देखेंगे, अगर मैं ऐसे लगा दूँ, चिपका दूँ, आपको चिपकाना नहीं है प्राइमरीली. आप अगर चाहो तो चिपका भी सकते हो, लेकिन ये चार्ट्स प्राइमरी क्या करेगा, देखो अभी इसके अंदर क्या क्या एरियाज कवर है. आप देख रहे हो येलो वाले स्लाइड में, ये पूरे स्लाइड में लायबिलिटी एंड स्पेशल केसेस ये रखा है हमने. उसी तरीके से यहाँ पे एक चैप्टर सिक्स से डिडक्शन है. ये ग्रीन वाले साइड में जितने भी चैप्टर सिक्स के डिडक्शन है, छोटे छोटे डिडक्शन जो IPCC लेवल के जो डिडक्शन होंगे वो हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कोई ये नहीं. आप बोलोगे सर फॉन्ट साइज क्या छोटा है, काफ़ी कुछ नहीं, फॉन्ट साइज एकदम परफेक्ट है. जैसे नॉर्मल आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, उस हिसाब से ही फॉन्ट साइज है, कोई ये नहीं होगा. और प्राइमरी इसी वजह से इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी है, नहीं तो ये छोटी लेंथ अगर होती तो प्राइमरी क्या हो जाता, आप समझ सकते हो दिक्कत क्या आ रही थी. तो फॉन्ट साइज बिल्कुल तरीके से रखा गया ताकि जो नॉर्मल अल्टीमेटली आप लोग पढ़ते हो किताब में वैसे ही है. और फिर ऊपर और एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड ऑल. तो इसमें ये वाले एरियाज में तो देखो कलर मैंने अलग डिस्टिंक्टिवली रखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि हाँ भैया ये अलग टॉपिक्स है. तो इससे फ़र्क क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पता है कि देखिए 80C के जो छोटे छोटे लिमिट्स हैं वो सब देखो एक ही इसमें आ जाते हैं. जो छोटे छोटे लिमिट्स आ गए ना, तो वो क्या होता है, दो तीन पेजों में चला जाता है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. अब बहुत तरीके होते हैं इसको पढ़ने के लिए भी. अब ये एक पर्टिकुलर चार्ट है और दूसरा और एक ये असेसमेंट का है. ये तो एक है असेसमेंट को, तो चार टोटल चार्ट्स बने, लेकिन पूरा का पूरा असेसमेंट रिवीजन पेनल्टी कंप्लीट हो जाता है. सो ये है आपके असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हमने इस तरीके से इसको बनाया है. सो देखिएगा आप खुद ही कि इन दिस रिगार्ड ये पूरा का पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, ये पूरे चार्ट्स में कम्प्लीट हो जाता है. दैट इज़ वन थिंग विच इज़ बिन देयर. तो दिस इज प्राइमरी व्हाट दे चार्ट. ऐसे टोटल 40 चार्ट्स बने हैं स्टूडेंट, 40 चार्ट्स हैं. पूरा DT सिलेबस कम्प्लीट किया गया है, कोई भी चीज़ इनफैक्ट इसके अंदर काट छाट नहीं रखा गया है, सब चीज़ कवर्ड है. RTPs के भी जो अब जैसे मैंने कहा है, RTPs के भी एरियाज को हमने फैक्टर्ड इन कर दिया है. अमेंडमेंट जो भी है सब चीज़ इसके अंदर आ चुकी है. तो ये बहुत ही एक अपने आप में ब्रेक थ्रू होगा आपके रिवीजन के लिए. मैं ये समझता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के पास एवरी डे 15 से 20 मिनट का टाइम मिलता रहेगा जहाँ पर कुछ वो कर ही नहीं रहा. तो जब कुछ करना ही नहीं है तो एक चार्ट लेके क्यों ना बैठ जाओ. लास्ट के 2 महीने में जब आप पढ़ रहे हो तो लास्ट के 2 महीने में तो क्या होगा, DT इतने वाइड सिलेबल्स का आपका एक ग्रिप बना रहेगा हमेशा. तो जब आप दूसरे कोई सब्जेक्ट से पढ़ते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको अच्छा होगा कि 15-20 मिनट टाइम निकालें, एक एक चार्ट अल्टीमेटली आपका ऐसे बिना DT रिवाइज किए DT आप रिवाइज कर रहे हो. मतलब जब जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तब तब आप ये पूरे चार्ट्स को आप रेफर करके आप डायरेक्ट टैक्स में अपना वो जो फेमिलियरिटी है, होल्ड है, हमेशा बना के रखोगे. मोर इम्पॉर्टेंटली इन द लास्ट 2 मंथ्स, जो लास्ट 2-2.5 महीने हैं उसमें आपका ग्रिप बना रहा है सब्जेक्ट में, यही प्राइमरी क्या है इसका पूरा इंटेंश ऑब्जेक्टिव है. तो मैं चाहूँगा ये पर्टिकुलर चार्ट्स का बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स लें. जो अभी के ये इसका लिस्ट प्राइस 695 रुपीज़ है, लिस्ट प्राइस है. लेकिन जो अपने स्टूडेंट्स हैं DSTC के प्राइमरी, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनको डिस्काउंटेड रेट पे आपको सेंटर्स पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली व्हाट प्राइस दैट वी आर ऑफरिंग टू आर एग्जिस्टिंग DSTC स्टूडेंट्स. तो वो तो आपको पहले से ही बता दिया गया था कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो उनको कॉस्ट ये पूरा एक लिस्टेड प्राइस पे दिया जा रहा है. ये कोई मैं नहीं छाप रहा हूँ, ये भारत लॉ हाउस प्राइमरी, वहाँ से आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे. तो जो स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होंगे उनको अल्टीमेटली सेंटर पे ही बुकिंग करनी है. और जो भी अल्टीमेटली आउटसाइडर्स होंगे तो आप लोग www.bharatlaws.com वहाँ पे जाके चार्ट्स की आप बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चार्ट्स पे भी मैं क्विक कुछ अराउंड 5-6 वीडियो लेक्चर्स दूंगा ताकि क्या होगा कि इस पर वीडियो रिविजन लेक्चर्स एक तरीके से हमारी बनेगी.
on this particular chart. So 6 se 7 class is pe hum rakhenge so that aapki kya hogi iski isi ke sath sath aapki kya quick revision banti rahegi. To main ye lectures dunga. Lectures ye primarily aapko milna start ho jayega approximately from 18 February onwards. To ye bhi main YouTube mein dal dunga, lekin zaruri hoga ki aapke hath mein kya hona chahiye, charts hona chahiye. YouTube mein kahan pe hoga? In our channel. Hopefully aap log ne subscribe kar liya hoga Durgesh Singh Tax Classes. To wo YouTube channel hai hamara Durgesh Singh Tax Classes, wahan pe aap ultimately iske lectures bhi dekh sakte ho. 6 to 8 lectures dekhunga jis level pe jata hai, but definitely 8 lecture ke upar nahi jayega ye revisionary class on this particular charts. ठीक है, तो आपको भी एक तरीके से क्या होगा, क्विक रिवीजन भी मिलता रहेगा, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पर्पस. तो स्टूडेंट्स, इट इज अ मस्ट हैव. लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने जितने नवंबर 17 में जितने लिए थे, बहुत ही ब्रेक थ्रू था. अप्रोक्सीमेटली वी हैव सोल्ड अराउंड 4200 चार्ट्स. ये उसकी पॉपुलैरिटी देखते हैं और स्टूडेंट्स का जो इस तरीके से शानदार रिव्यू रहा है चार्ट्स को लेकर, कि उनकी रिविजन बहुत ही तेजी से होती है. सो दैट इज वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ दिस पर्टिकुलर One of its kind in India. ये पहली बार इस तरीके से charts हमने बनाया है और primarily आप भी इसका फायदा लें. पूरा direct tax का hold बना रहता है till the day of the examination. तो चलिए students, अच्छा इस एक चीज़ बता दूँ आपको कि ये charts आप daily basis पे revision के लिए use कर रहे हो, लेकिन जब आप वापस से एक बार last जब आप DT के लिए आप अपने revision रखेंगे, तो आप जो textbook जो आप को बताया गया था, आप वहाँ से नॉर्मल जिस तरीके से आपने डीटी पढ़ा है वहीं से आप रिवाइज करो. लेकिन जब जब आप डीटी नहीं कर रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तो उस उन दिनों में डीटी पे भी कैसे रिवीजन उस दिनों पे बना के रखा जाए, चार्ट्स इज अ सॉल्यूशन फॉर दैट. चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं इन डेज के एडजस्टमेंट्स पे. अब ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है आपका पेज नंबर, आप लोगों के लिए होगा पेज नंबर 88 88 पे आ जाओ. सो पेज 88 पे लेट्स स्टार्ट विद दिस इंडेक्स एडजस्टमेंट. इंडेक्स एडजस्टमेंट पेज 88 पे तो मैट पे ये एडजस्टमेंट है. मैं आपको स्टूडेंट्स इसका पहले एक थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा और आप थोड़े से कुछ नोट्स भी लिखना है इस पे, ताकि आपको पता रहे कि ये एडजस्टमेंट क्यों हुए. वैसे मैंने आरटीपी देख ली है, आरटीपी में कोई भी इसमें उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं रखे हैं आपके मे 18 पे, कोई ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या तो एक चीज़ें बनती है. मुझे भी लगता है कि एक तरीके से देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ कि भाई इस पे कोई क्वेश्चन अभी बनना मे 18 के लिए थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि बहुत ही एक नया कंसेप्ट है और इसके एडजस्टमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट से ज़्यादा तालमेल रखता है एज कम्पेयर टू दी इनकम टैक्स लॉ. लेकिन फिर भी अगर ये आ भी जाए अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, तब भी आप उसको ईजिली हैंडल कर पाए, उसी कॉन्टेक्स्ट में वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर एरिया राइट नाउ. स्टूडेंट्स, पहले आप ध्यान रखेंगे एक चीज़ को लेके, ये चीज़ किसको पता ही नहीं है और ऐसे बेकार का अल्टीमेटली आपको ज्ञान दिया गया है अननेसेसरली भ्रमित करने के लिए. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये इंड एएस जब से आया है तब से आपको आइडिया लग चुका होगा कि सिचुएशन बहुत चेंज हुई है, क्योंकि इंड एएस जो अभी वाला जो कंसेप्ट है एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर कर लूँ विद द ओल्ड पर्टिकुलर ओल्ड जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है. जिन्होंने किया होगा इंड एएस अकाउंटेंसी में तो वो बता सकते हैं कि इंड एएस जो ये अब किया जा रहा है और इसको अगर मैं कंपेयर कर दूँ विद माई फंडामेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. ऐसा नहीं कि अभी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चल रहा, अभी भी चल रहा है, क्योंकि लेवल ऑफ कंपनीज हैं कि किस कंपनीज को इंड एएस कंपल्सरी है. तो अभी भी कुछ ऐसे कंपनीज हैं, छोटी कंपनियां हैं, जिनको इंड एएस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि इस लेवल की कंप्लायंस बर्डन और ये जो लेवल का जो अकाउंटिंग जो तरीके से इफेक्ट है उसके लिए आपको उतने लेवल का एक कंपनी होना चाहिए, तब जाके ही इस लेवल की कंप्लायंसेस आप कर सकते हो. तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, छोटी कंपनियों को
क्या है अभी भी इंडेस से बाहर रखा है, तो वो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पर्टिकुलर पॉइंट हमारे सामने आता है वो ये है कि फंडामेंटली दोनों में डिफरेंस क्या है बिटवीन इंडेस एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग किया होगा इंडेस में या फिर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, उन्हें पता होगा ये चीज़ कि इंडेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये फंडामेंटल डिफरेंस है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से क्या करते हो, आप अकाउंटिंग करते हो। ये जो भी आपके बैलेंस शीट आइटम्स है आपको पता होगा कि ये सारे हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से क्या होता है, ये रिकॉर्डिंग होती है। जबकि इंडेस के कॉन्टेक्स्ट में ये हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं होके ये कैरिंग अमाउंट पे क्या होता है, इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से क्या करता है, अकॉर्डिंगली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। वेरस ये जो हमारा इंडेस है ये कैरिंग अमाउंट पे फोकस किया। अब कैरिंग अमाउंट क्या होता है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि 31 मार्च को जैसे कि बहुत सारे एसेट्स हैं, तो 31 मार्च को क्या होगा, वो सारे एसेट्स की जो वैल्यू है वापस से उसको रिवैल्यूएशन की जाएगी और उसकी जो कैरिंग अमाउंट 31 मार्च को जो बनी हुई है उसके मुताबिक अल्टीमेटली उसको रिपोर्ट किया जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि 31 मार्च की एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी अबाउट कि उस दिन पे अब इसकी वैल्यू क्या है एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। एक सिंपल एक लेमन लैंग्वेज से अगर मैं बोल दूं कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एज ऑन 31 मार्च, तो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या होगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो ये इंडेस कहता है। तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स की अगर फेयर वैल्यू पे इसकी क्या रिकॉर्डिंग करना, तो क्या होता होगा कि 31 मार्च को अल्टीमेटली ये इसको अल्टीमेटली आप फिर से इसकी रिवैल्यूएशन करके जो भी उसकी करंट वैल्यू है वो आपको करंट वैल्यू क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके और किसके बीच में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इंडेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट के अनुसार एक बार वो वैल्यू कैप्चर हो जाती है बैलेंस शीट में तो फिर आप उसको कैरिंग वैल्यू पे 31 मार्च को आप री रिपोर्टिंग नहीं करवाते। हाँ, स्टॉक एंड ट्रेड जो कि कंज्यूमेबल्स है, बस स्टॉक एंड ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो हाँ हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका, एसेट्स जो होंगे, वो जो वैल्यूएशन जो बनता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो एक जगह पे हिस्टोरिकल कॉस्ट है और इंडेस के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंगली ये उसको आप उस 31 मार्च को उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज ऑफ मार्केट वैल्यू जिसको हम कैरिंग अमाउंट कहेंगे, तो उसको कैरिंग अमाउंट पे उसकी वैल्यूएशन होती है। तो स्टूडेंट्स एक चीज नोटिस करना कि क्योंकि कैरिंग वैल्यू पे रिपोर्टिंग होगा, तो अब देख सकते हो कि दो कंपनीज है, कंपनी है एक कंपनी अल्टीमेटली वो पुराने वैल्यूएशन पे चल रही है और दूसरी कंपनी चल रही है ऑन दी कैरिंग अमाउंट। तो आप खुद ही देख सकते हो कि बिटवीन द डिफरेंट कंपनी विच इज वन इज इंडेस कंप्लायंट, अनदर इज नॉन इंडेस कंप्लायंट कंपनीज, दोनों में क्या है डिविएशंस है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिपोर्टिंग। अब आप खुद नोटिस करना इस चीज़ को, और वो ये होगा कि ये जब अल्टीमेटली आपका चला जाएगा वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ये जितने भी अल्टीमेटली केसेस हैं, ये जब जाएंगे आपके टोटल इनकम कॉम्पिटिशन की तरफ, जब टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना होता है तो यू हैव टू मेक अ टोटल इनकम। अब जब टोटल इनकम जब कंप्यूट करते हैं तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कुछ हेड्स हैं जैसे कि PGBP, IFOS, ये दो हेड्स की अगर मैं बात करूं तो इन दो हेड्स में हमें क्या पता चलता है, बताओ जल्दी से, इन दो हेड्स में मुझे पता चलता है कि मेरा जो बेस वैल्यू है जिससे मुझे PGBP लानी है वो बेस वैल्यू क्या होता है, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर SSC फॉर द बिजनेस। तो मैं हमेशा नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स से शुरू करता हूँ और फिर जो भी आपको सेक्शन दिया गया PGBP में 30 से लेके 43B तक, वो सारे सेक्शन का मैं एडजस्टमेंट करता हूँ एंड फाइनली आई डिटरमाइन माय PGBP, इजंट इट। तो आप नोटिस करना कि मेरा जो बेस लेवल का जो अमाउंट है वो जिससे मुझे वर्किंग एडजस्टमेंट देनी है अंडर द हेड PGBP और अंडर द हेड IFOS, वो होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होगा वो मेरा बेस वैल्यू बनता है इन दो हेड्स के लिए। बाकी जहाँ तक कैपिटल गेंस हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, वहाँ तो चलो ठीक है,
वहाँ तो अलग से ही कंपटीशन आपको करना पड़ता है, वहाँ तो आप कोई बेस वैल्यू से शुरू नहीं करते हो, वहाँ तो कंपटीशन आपको अलग से ही करना पड़ता है। हाउस प्रॉपर्टी आपको पता होगा जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, इस तरीके से आप कंपटीशन करते हो। उसी तरीके से कैपिटल गेंस में भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, लेस एक्सपेंसिस ऑफ ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, इस तरीके से आपको अलग से ही कॉम्पिटिशन करना है। तो वहाँ पर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं बनती आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट पर। लेकिन जब आप बात करते हो फॉर पीजीबीपी एंड आईएफओएस, वो दो हेड ऐसे हैं जहां पे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट को बेस रख के फिर आपको क्या करना है, आपको ऐड और लेस करना है। तो अब आप खुद नोटिस करना स्टूडेंट्स कि जब ये दो टाइप की कंपनी हमारे पास अब जब है, एक इंडियंस वाली कंपनी और एक नॉन इंडियंस वाली कंपनी, अगर इस टाइप की कंपनी है तो उनका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट भी होगा तो डिफरेंट होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट भी होगा तो डिफरेंट होगा। तो इस वजह से जब ये दो कंपनियां क्या करेंगे, अपने पीजीबीपी जो कि एक टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन करने का एक स्टेप है, तो पीजीबीपी जब डिटरमाइन करेंगे तो बेस वैल्यू दोनों कंपनी का अलग होगा और उसी के मुताबिक फिर वो क्या करेंगे, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के अनुसार वो अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट ला रहा है और दूसरा क्या ला रहा है, वो अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट ला रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिंग अमाउंट। और फिर वो क्या कर रहे हैं, द स्पेसिफिक एडजस्टमेंट जो दिया गया है उस हेड में, वो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के तहत वो फिल फाइनली पीजीबीपी ला रहे हैं। अब आपको खुद पता चलेगा स्टूडेंट्स कि डिविएशन तो होना ही है, डिविएशन तो होगा ही पीजीबीपी में क्योंकि दोनों का बेस वैल्यू अलग है। अब डिविएशन जहां पीजीबीपी में हुआ वहीं टोटल इनकम में फिर अलग हो जाएगा फॉर दोस कंपनी जो एक इंडेस कंप्लायंट है और दूसरा नॉन इंडेस कंप्लायंट, तो टोटल इनकम में फर्क महसूस होगा और इसका खामियाजा टैक्स लायबिलिटी की तरफ बढ़ने वाला है बिटवीन द टू कंपनीज। तो इसी वजह से इन्होंने क्या लाया बता दो, इन्होंने क्या लाया, ये उन्होंने इस चीज को, ये जो डिफरेंस बन रहा है दोनों कंपनियों में, तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बताओ क्या लाया, ICDS। दिस वॉज द लॉजिक ऑफ वाई ICDS केम इन टू प्ले। ये चीज किसको पता ही नहीं है तो भ्रमित करने के लिए अल्टीमेटली सबको अनाप शनाप बका जाता है। ICDS लाने का लॉजिक यही है। तो यहां से ICDS ने एंट्री ली है और अकॉर्डिंगली ICDS क्या करता है, आप चाहे जो भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते रहेंगे हमें मतलब नहीं है, आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा, ICDS के अनुसार एडजस्टमेंट दिलवानी होगी। यू आर सपोज टू डू दी एडजस्टमेंट एज पर दी ICDS जो स्टैंडर्ड कह रहा है उसके अनुसार आपको एडजस्टमेंट दिलवानी है, यही बात ICDS कहता है। तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आप क्या करते हो, फिर अपने एडजस्टमेंट्स लाते हो। तो भले आप इंडियंस वाली कंपनी हो, नॉन इंडियंस वाली कंपनी हो, चाहे जैसे भी आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट लाया होगा तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दी ICDS प्रिंसिपल और फिर आप लेकर आओगे अपनी टैक्सेबल इनकम को, इजंट इट। तो एक तरीके से मैंने क्या कहा कि ICDS लाके आपने क्या किया, हार्मोनाइज कर दिया, ICDS लाके आपने एक तरीके से हार्मोनाइज कर दिया बिटवीन द वेरियस डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलोड बाय वेरियस SSCs। तो हार्मोनाइजेशन वाली बात है, ICDS क्या कर रहा है, हार्मोनाइजेशन कर रहा है, ये पहली बात है। चलिए अब तो ये तो आपको एक सोल्यूशन मिल गया कि अगर कोई डिस्टिंक्टिव अकाउंटिंग पॉलिसीज के अनुसार अपनी बुक प्रॉफिट या सॉरी अपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहा है और वो अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस बनता है फॉर डिटरमाइनिंग द टोटल इनकम, तब ICDS उसका क्या है, आंसर है कि किस तरीके से ये हार्मोनाइज अल्टीमेटली करता है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को, तो उसकी इफेक्ट हम देते हैं। चलिए ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि व्हाट अबाउट हर कंपनी को, चलो टोटल इनकम तो बनाएंगे, अब तो ICDS के हिसाब से वो टोटल इनकम भी बना के लेकर आएंगे, बट हर कंपनी को एक ऑल्टरनेट एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा और वो एडजस्टमेंट क्या होगा, दैट एडजस्टमेंट वुड बी द एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू मैट। तो उनको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट उसका बेस होगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस होगा और फिर ऐड और लेस करेंगे टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट। और वो सारे ऐड और लेस क्या होते हैं, द स्पेसिफाइड एडिशंस एंड स्पेसिफाइड डिलीशंस, तो उसके हिसाब से फिर वो लेकर आएंगे बुक प्रॉफिट और फिर बुक प्रॉफिट जो भी उसका डिटरमाइन हो जाए उसके हिसाब से फाइनली आ जाएगा उनको मैट। तो अब नोटिस करना कि चलो ICDS से वजह से तो अल्टीमेटली आपको ये आंसर मिल गया कि भाई टोटल इनकम में हार्मोनाइजेशन आ गई, टोटल इनकम कंपटीशन में एक हार्मोनाइजेशन आ गई, बट व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, जो दो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में क्या करें, दूसरा हिस्सा क्या है, बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन, वो कैसे हम उसको रिकनसाइल करें बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन को।
तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन पे तो ICDS लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ICDS तो टोटल इनकम कंपटीशन के लिए ली जाती है, ना कि बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। अब बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी यही दिक्कत है कि बेस जो वैल्यू है, जो शुरुआत का जो वैल्यू है, वो क्या है आपका? नेट प्रॉफिट एज पर द बुक्स। क्योंकि जब आप नेट मैट कैलकुलेशन में शुरू क्या करोगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट लेते हो और फिर स्पेसिफाइड ऐड एंड स्पेसिफाइड लेस करके आप बुक प्रॉफिट लाते हो। तो जो बेस वैल्यू ही अगर इंडेक्स कंपनी होगी वर्सेस नॉन इंडेक्स कंपनी अगर देखोगे तो डेफिनेटली वो बेस वैल्यू दोनों में फर्क है। उससे क्या होगा, बुक प्रॉफिट दोनों का अलग रहेगा, और क्योंकि बुक प्रॉफिट दोनों का अलग रहेगा तो मैट लायबिलिटी दोनों की अलग बनेगी। अब इसमें स्टूडेंट्स आप खुद नोटिस करना, विच इज दैट कंपनी विच विल सफर द मोस्ट। ये बुक प्रॉफिट जब मैं बोल रहा हूँ मैट कैलकुलेशन के लिए, तो विच कंपनी विल सफर द मोस्ट? इंडियस वाली कंपनी विल सफर द मोस्ट और नॉन इंडियस वाली कंपनी? विच कंपनी विल सफर द मोस्ट बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में? लॉजिक अभी खुद अपना एक एलिमेंट्री लॉजिक लगा लो और लॉजिक से मुझे बताओ कि किस कंपनी को ज्यादा क्षति पहुंचेगी इस पूरे कैलकुलेशन में? किस पर्टिकुलर कंपनी को ज्यादा क्षति पहुंचेगी बताइए, किसको क्षति पहुंचेगा? हमें क्षति पहुंचेगा, हम पढ़ रहे हैं इस वजह से, बताओ। तो क्षति किन्हें पहुंचेगी? तो ये होगा आपका स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द इंडियस कंपनी। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को बेचारे लोग को क्या करना पड़ रहा है, रिवैल्यूएशन करनी पड़ रही है। तो उससे क्या होगा, एक रिजर्व तैयार हो रहा है, उससे एक रिजर्व तैयार हो रहा है और वो एक प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा। और प्रॉफिट का हिस्सा बन गया तो एक नोशनल प्रॉफिट, ध्यान रखना इसको मैं कहूँगा एक नोशनल प्रॉफिट। क्यों नोशनल प्रॉफिट? क्योंकि अभी ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। रियलाइज तो तब होगा जब मैं इन्वेस्टमेंट, जब मैं एसेट्स को बेचूंगा तब जाके ये रियलाइज होगा। तो अब हो ये रहा है कि 31 मार्च की रिपोर्टिंग कर करके क्या हो रहा है, मैं एक नोशनल प्रॉफिट अल्टीमेटली डिटरमाइन कर रहा हूँ। और वही नोशनल प्रॉफिट बाद में क्या हो जाएगा, मेरे बुक प्रॉफिट में बैठ जाएगा, क्योंकि बेस ही मेरा नेट प्रॉफिट है। तो फिर वो मेरे बुक प्रॉफिट में बैठ जाएगा और बुक प्रॉफिट में बैठने से मेरी मैट की लायबिलिटी बढ़ गई, मेरी मैट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, डेफिनेटली SSC को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है एज कम्पेयर टू नॉन इंडेक्स कंपनी। उसका तो कोई नोशनल इनकम आ ही नहीं रहा जिस नेट प्रॉफिट में। और यही वजह है स्टूडेंट्स की इसको रिकनसाइल करने के लिए ICDS का जवाब है टोटल इनकम की तरफ। यहाँ पर जो अभी हम करने जा रहे हैं वो जवाब है फॉर द डिविएशन जो देखने को मिल रहा है बिटवीन बुक प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय एन इंडियस कंपनी एंड अ बुक प्रॉफिट कैलकुलेटेड बाय नॉन इंडियस कंपनी। तो इनको कैसे हार्मोनाइज किया जाए ये अल्टीमेटली आपको पता चलेगा इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट जो कि हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग काम करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, एक नोट लिख देना पहले ताकि इसका एक थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव पता रहे कि एग्जैक्टली ये गेम क्या है। आइए स्टूडेंट्स, तो ये एक नोट लिख देंगे सारे स्टूडेंट्स, पेज यहां पे डाल देना, पेज 88। लिखिए CBDT, जल्द से जल्द लिखना होगा, एज इश्यूड ICDS टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन द कंपनी टू कंप्यूट their taxable income irrespective of the accounting standard they use. Underline karna taxable income.
for their financial reporting. However, the issue of bringing the same horizontal equity for computation of MAT was yet to be settled. ये horizontal equity क्या मतलब है? इसका मतलब क्या होता है? Horizontal equity का मतलब क्या होता है? Horizontal equity का मतलब वही है कि भाई equity लाना है दोनों के बीच में. Non-index company और index company, तो ये horizontal equity अब तक देखी नहीं जा रही थी, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया? Amendment कर दिया. तो horizontal equity है मतलब कि समानता, बराबरी किसके और किसके बीच में, index and non-index company. Therefore, the Finance Act 2017 has introduced amendment in section 115 JB to ensure a fair play between these two categories of company who are liable for MAT. फेयर प्ले मतलब कि इक्विटी बिटवीन दीज टू कैटेगरीज ऑफ कंपनी वो आर लायबल फॉर मैट. तो भाई टोटल इनकम में बराबरी करने के लिए आईसीडीएस, और ये जो दूसरा बात है बुक प्रॉफिट में दोनों में बराबरी हो उसके लिए क्या कर दिया, दे हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं वो सारे एडजस्टमेंट, अगर आपने कॉपी कर लिया होगा. अब जानते हो ओसीआई का नाम सुना आपने, ओसीआई इंडेक्स में ओसीआई का बताओ क्या मतलब होता है, व्हाट इज ओसीआई बताओ. तो ओसीआई क्या है, यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दो स्टेटमेंट होती है यहाँ पे, यहाँ पे इंडेक्स कंपनी दो पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, वो हम बोलते थे ना अबाउ द लाइन बिलो द लाइन, इस तरीके से नॉर्मल आपके जो ओल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार हम अबाउ द लाइन बिलो द लाइन आइटम्स. तो यहाँ पे क्या होगा, एक ओसीआई बनाते हो, वो भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, और इस ओसीआई के अंदर यही ये जो एडजस्टमेंट आप करते हो ओसीआई के अंदर, एडजस्टमेंट जो आप ओसीआई के अंदर करते हो यही सारे मैक्सिमम एडजस्टमेंट क्या होते हैं बताओ, क्या होंगे एडजस्टमेंट ये ओसीआई के अंदर, ये 31 मार्च को जो कैरिंग वैल्यू पे जो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को लाना है उसको अल्टीमेटली ओसीआई के अंदर अल्टीमेटली आप रिफ्लेक्ट करवा देते हो. तो ये भी एक प्रॉफिट स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये एक अलग से बनाया जाता है ताकि जो भी 31 मार्च को अल्टीमेटली ये जो हम इंडेक्स के अनुसार कैरिंग वैल्यू पे हमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिपोर्ट करनी होती है उसको अल्टीमेटली हम ओसीआई में क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. अब व्हाट आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स वुड बी, आपको एक दो मिनट के अंदर ये जो अमेंडमेंट है यहाँ पे ये एक बार रीड करो, और फिर बाद में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे ताकि आपके दिमाग में बना रहे. कुल मिला के
अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, देर आर टोटल 5 आइटम्स यहाँ पे, 4 आइटम है सॉरी। तो यहाँ पे सिचुएशन में आप एक बार उसको एक रीडिंग लेंगे इसकी, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि एग्जैक्टली ये है क्या। चलो स्टार्ट हो जाओ, ऑल ऑफ यू विल गेट स्टार्टेड विद दिस वन जल्द से जल्द।
ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग. एक बार रीड कर लिया होगा क्योंकि ये चीज दिमाग में आपके बना रहना चाहिए. पहली बार ये सारे एडजस्टमेंट से एनकाउंटर कर रहे हो. तो नाउ विद दैट वन, नाउ लेट्स लुक अपॉन टू दिस वन बाय वन. अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट नोटिस करना स्टूडेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट कौन करेगा? ये सारे इंडेस कंपनी जो है, जो इंडेस कंप्लायंट कंपनी है, उनको करना होगा. स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल रहना. ये लोग देखो क्या लिखते हैं, व्हाट दे राइट इन देयर आंसर इन दिस थिंग इज दैट नेट प्रॉफिट अराइव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल थ्री ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है ना, अगर कंपनीज एक्ट लगता होगा या फिर बैंकिंग इंश्योरेंस को अपने कानून के अनुसार क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट लाना पड़ता है. चलिए, तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट से आप अब इंडेस के एडजस्टमेंट दोगे. मतलब कहने का मतलब है जो बाकी जो ऐड और लेस करने पड़ते हैं वो तो करना ही है, उसके अलावा ये भी एक क्या होगा, इंडेस कंपनी वालों को क्या करना होगा, ये एडजस्टमेंट्स करनी होगी टू डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट. तो क्या वो एडजस्टमेंट है? फर्स्ट पॉइंट देखो, आइटम्स इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दैट इज OCI इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द हेड आइटम दैट विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस. तो जैसे मैंने कहा था आपको कि ये क्या होता है, अलग स्टेटमेंट आप बनाते हो OCI की, जो कि अपने आप में क्या है, एक प्रॉफिट स्टेटमेंट है. और वो प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या है ये, लेकिन नीचे होता है, ये बिलो द लाइन आइटम मान के चलो आप. ठीक है, ये एक अलग स्टेटमेंट बनाते हो जो जनरली क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है किसका, जो भी 31 मार्च को जो आपने एडजस्टमेंट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या इन्होंने बोला है कि पहले जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, तो ये जो नेट प्रॉफिट जो ऊपर वाला अमाउंट आप ले रहे हो, दिस इज बिफोर OCI. तो यहाँ पे बाजू में लिख सकते हो, इस कॉन्टेक्स्ट में बाजू में क्या लिखना है आपको, बिफोर OCI. तो ये जो नेट प्रॉफिट जो आप ले रहे हो वो बिफोर OCI वाला नेट प्रॉफिट है. और फिर उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, कि OCI स्टेटमेंट में जो भी आपको क्रेडिट आइटम दिख रहे हैं उसको आप ऐड करें, और फिर जो डेबिट आइटम देख रहे हैं उसको आप लेस करें. तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी रिवैल्यूएशंस आपने किए होंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के, तो वो सब चीज़ रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश आप कर रहे हो. अब इसी की वजह से सारे इंडेस वाली कंपनी दुखी होने वाले. क्यों दुखी हो जाएंगे? क्योंकि वो बोलेंगे, यार हमारा तो नोशनल इनकम पे आप मैट लगाने की बात कर रहे हो, अभी तक हमने कोई एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया नहीं है जिसके बेसिस पे कोई गेन हमें कुछ रियलाइज हो. आप तो हमारा नोशनल इनकम को क्या कर रहे हो, एक तरीके से उस पर मैट लगाने की कोशिश कर रहे हो. तो इसी वजह से स्टूडेंट्स ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऐड और लेस जो आप करोगे तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, नो ऐड एंड लेस ऑफ द आइटम शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग. वो क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स, या फिर क्या, गेन और लॉसेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट designated at the fair value through OCI, unless the assets जो A में था और investment जो B में है is retired. जब तक इसको आप retire नहीं करोगे तब तक जो भी OCI में आपने उसकी notional value को capture की है either in P&L debit or P&L credit, उसको आप इस add or less में consider नहीं करोगे, इस add and less में आप consider नहीं करोगे. So this is what they are trying to suggest in this particular adjustment. तो इस वजह से ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है किसको, ये सारे इंडेस वाले कंपनी को, कि इनके नोशनल इनकम जो बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरिंग वैल्यू, जबकि अभी भी वो एसेट्स, अभी भी वो इन्वेस्टमेंट इनके बुक्स में मौजूद है, मीनिंग देयर बाय वो कोई डिस्पोज ऑफ अभी तक उसको किया नहीं गया है, तो उनको रिलीफ दी गई है कि भाई आपका वो नोशनल इनकम को हम बुक प्रॉफिट में नहीं लाएंगे. तो इसकी वजह से ये जो ऐड और लेस जो आपने किया है उसमें ये वाले जो इनकम या ये वाले जो डेबिट्स होंगे उसे आपको कंसिडर नहीं करना है. तो हो गया, बराबरी हो गई दोनों के बीच में. वो दोनों लोग कौन है, इंडेस वर्सेस नॉन इंडेस कंप्लायंट कंपनी. अब ये एसेट्स और इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स क्या है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया. हिंदुस्तान लिवर ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, तो अकॉर्डिंगली वो जो कैरिंग वैल्यू 31 मार्च का है वो कैरिंग वैल्यू आप कंसिडर नहीं करोगे. जस्ट हैव अ लुक टू दिस वन, ये एसेट्स कौन से होंगे, दोज रेफर्ड इन इंड AS 16 एंड इंड AS 38 प्लस इंड AS 101
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट्स, ये सब चीज कवर्ड है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स लगभग लगभग सारे एसेट्स जो मेजर एसेट्स होते हैं वो कैप्चर कर लिए उन्होंने। तो उस मेजर एसेट्स का जो रीवैल्यूएशन जो होगा कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे, उस पर जो भी क्रेडिट या डेबिट आई होगी वो आप उसे इग्नोर करके चलेंगे, यू विल नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट। दूसरा देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे मतलब मैंने जैसे कहा ना कि मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है दूसरे कंपनी का, तो उसका भी आपको कंसिडर नहीं करना है, विच देयरफॉर इंप्लाय कि अदर इन्वेस्टमेंट जैसे कि डेट में आपने किया होगा तो वो, जैसे डिबेंचर्स अगर आपने ली होगी तो वो अल्टीमेटली यहाँ पे नहीं शामिल है। इसका मतलब क्या होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है तो उस पे जो नोशनल इनकम बना होगा 31 मार्च को उसके कैरिंग वैल्यू के हिसाब से, तो वो आपके बुक प्रॉफिट में कैप्चर हो जाएगा, वो आपके बुक प्रॉफिट में कैप्चर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट को उन्होंने रेफर किया वो सिर्फ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो गेन या लॉस जो आपको बुक प्रॉफिट में लाना है वो कब आपको लाना है, ओनली व्हेन दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन एनी अदर इन्वेस्टमेंट्स जो होगा इसके अलावा, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था, तो वो इन्वेस्टमेंट्स अगर होगा तो अकॉर्डिंगली उनको आपको क्या करना होगा, कैरिंग वैल्यू के बेसिस पे जो भी ओसीआई में उसकी डेबिट या क्रेडिट एंट्री बनी होगी वो बुक प्रॉफिट में शामिल होगी, वो बुक प्रॉफिट में शामिल होगी। सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा अब देखो सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स, जो सेकेंड पॉइंट है, तो ये तो आपने कर लिया। इसके अलावा अब सेकेंड पॉइंट में डी मर्जर आ रहा है, सो द सेकेंड वन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डी मर्जर। अब ये डी मर्जर क्या है स्टूडेंट्स, ये ओसीए वाला अब नहीं है, ओसीए वाला खत्म हो गया जो ऊपर वाला था, अब ये अलग है। अब ये नॉर्मल पीएनएल में स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये जो डी मर्जर की बात है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो आपके नॉर्मल पीएनएल है, नॉर्मल पीएनएल, उस नॉर्मल पीएनएल में पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका डी इंडेक्स के बेसिस पे क्या होता है कि जो भी एसेट्स मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन द रिजल्टिंग कंपनी, ये सब चीज, वो सारे चीज आप क्या करते हो, शेयर होल्डर्स को देते हो। सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन एस कैश एसेट्स विच यू आर गिविंग टू द शेयर होल्डर। जब भी डी मर्जर होता है तो ऑब्वियस बात है कि उनको दूसरे कंपनी में उनको अल्टीमेटली क्या दिया जाता है, शेयर्स दी जाती है रिजल्टिंग कंपनी में। तो ऐसे केस में आप तुरंत खुद आपको पता है कि जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, जब टोटल इनकम की अगर बारी आती है, जब कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाता है, तो ऐसे केस में क्या लगता है आपको, इज देर एनी टैक्स लाइबिलिटी दैट अराइजेस एट द टाइम ऑफ डी मर्जर? एंड द आंसर इज नो। जब शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है, शेयर्स ही दिया जा रहा है, तो ना तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होता है ना ही कंपनी के हाथ में टैक्स होता है, ये चीज़ हमने देखी है। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिकली सेक्शन 47 के अंदर उसकी एंट्री कार्व आउट कर रखी है, जिसके तहत डी मर्जर के समय पे जो भी गेन और लॉस अराइज होगा वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। डी मर्जर के समय पे जो भी गेन और लॉस अराइज होगा दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल। तो अब आप खुद नोटिस करना स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना होगा कि भाई टैक्सेबल इनकम जब आप कंप्यूट करते हो तो डीमर्जर इज नथिंग बट अ टैक्स न्यूट्रल पोजीशन। इसको हम बोलते हैं ना टैक्स न्यूट्रलिटी, मतलब कि टैक्स न्यूट्रल है। डीमर्जर अगर हो तब भी कोई भी इससे इम्पैक्ट टैक्स में नहीं पड़ेगा व्हेन यू कैलकुलेट योर टोटल इनकम। फाइन, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक एग्जेम्पशन कार्व आउट करके दिया गया है, तो इस वजह से एक न्यूट्रलिटी वाली पोजीशन बन जाती है। अच्छा, अब आप इंड एस की तरफ बढ़ो, तो इंड एस में आपको पता चलता है, क्या पता चल जाता है कि यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली इसकी एंट्री रिपोर्ट हो जाती है इन द नॉर्मल पीएनएल अकाउंट, इन द नॉर्मल पीएनएल अकाउंट। तो इंड एस के हिसाब से जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं टू द शेयर होल्डर, नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं, एसेट्स मतलब शेयर्स दिए जाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कंपनी के बुक्स में अल्टीमेटली इन द नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, वो रिपोर्ट हो जाता है एज पर इंडियस रिक्वायरमेंट। अब इसी वजह से उन्होंने क्या कर रखा है बताओ, इसी वजह से उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे दे हैव स्पेसिफिकली इंश्योर दैट कि अगर ऐसा कोई डेबिट या क्रेडिट हुआ होगा, इफ देर वुड हैव बीन एनी सॉर्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट दैट वुड हैव टेकन प्लेस, तो हमें उसे एलिमिनेट करना है
बताओ कैसे एलिमिनेट करोगे, जो भी अमाउंट आ जाए एड बैक पहले करिएगा, द फर्स्ट थिंग इज टू डू द एड बैक एंड द सेकेंड वन इज टू डू द लेस. तो फर्स्ट आप जो भी अमाउंट डेबिट होगा आप उसे ऐड करें, लेस जो अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा तो अकॉर्डिंगली उसको बाहर निकाल दें. कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट में अगर डी मर्जर का कोई भी एंट्री पीएनएल में आता है टुवर्ड्स द नॉन कैश एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर, जो भी एंट्री अगर पीएनएल डेबिट या क्रेडिट में अगर बनता है तो वो आपको बाहर निकालना होगा. तो यहाँ पर भी उन्होंने ये ऐड और लेस कह के बताओ क्या कर दिया है, उन्होंने टैक्स न्यूट्रल पोजीशन मैट के कैलकुलेशन में भी खड़ा कर दिया है. सो देयर इज अ टैक्स न्यूट्रल पोजीशन इवन इन द कैलकुलेशन ऑफ मैट. जैसे हम टैक्स न्यूट्रल पोजीशन हमारा बनता है इन कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, तो वहां पर भी टैक्स न्यूट्रलिटी है, यहां पर भी टैक्स न्यूट्रलिटी है, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये एड एंड लेस देखिएगा इस तरीके से ये बना हुआ है. डिड यू गॉट दिस वन? ठीक है, अब देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ऐड और लेस के बाजू में क्या लिख दोगे, टू, ये ऐड और लेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू हैव टैक्स न्यूट्रलिटी पोजीशन. क्या है ऑब्जेक्टिव है ऐड और लेस का, बाजू में लिख सकते हो टू हैव अ टैक्स न्यूट्रलिटी पोजीशन सिमिलर टू द टैक्स न्यूट्रलिटी पोजीशन similar to the tax neutrality position in computing the total income. ठीक है students, fine. Now in this regard point number 3 में देखो students, year of convergence and each of the following 4 previous year. Year of convergence and each of the following 4 previous year, आने वाले 4 साल. तो इसमें notice करना students क्या होगा, ये वाला क्या है year of, ये वाला important है point number 3, इसको mark करो important. मुझे क्या लगता है कि अगर question इस पे कुछ भी बन सकता है तो इस पे बन सकता है. This is my feeling कि भाई पहला साल तो test कर ले, ऊपर वाला जो कोई केस दिख रहा है ना, जितने भी ऊपर एडजस्टमेंट जो आपने देखे वो इंडेस कंप्लायंट वाले कंपनीज है, जो पहले से इंडेस कंप्लाई हो चुकी है उनके लिए क्या है ये सारे एडजस्टमेंट्स दिए गए. लेकिन पहले साल का तो अभी पहला एडजस्टमेंट जो होगा, क्योंकि जस्ट अब तक मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट करता था और सडनली अब मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर इंडेस तो ये जो चेंज ओवर हुआ है इस पे अल्टीमेटली आपको फोकस करना है. ये जो चेंज ओवर हुआ है ये जनरली मुझे लगता है कि बनना चाहिए एज फार एज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आर कंसर्न, दिस शुड बी देयर एज फार एज योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज कंसर्न. अब बताओ इसमें क्या होगा, वॉट विल बी द पोजिशनिंग, ये पोजिशनिंग कैसे होगी, थोड़ा सा आप ध्यान देना इसको. तो ईयर ऑफ कन्वर्जेंस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रीवियस ईयर, तो क्या करेंगे आप इसमें, ऐड करते हो 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, ऐड करते हैं 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट. सो हाउ यू गो अबाउट इट स्टूडेंट्स, देखिएगा उस सब दिन पे जब कन्वर्जेंस हो रहा है उस समय पे क्या होगा, सडनली सारे बैलेंस शीट आइटम्स आप कैरिंग अमाउंट पे लेकर आते हो, फेयर मार्केट पे लेकर आते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट से सीधा ये चेंज हो जाता है टू द फेयर वैल्यू. अब आप खुद ही देख सकते हो, तो जो भी वो जो अमाउंट बनेगा उसको हम क्या करते हैं, वो रिजर्व्स मानते हैं और उसको इक्विटी मतलब कि शेयर होल्डर के उसमें ऐड बैक करवा देते हैं. तो वो जो रिजर्व्स है जो क्रिएट होगा ऑन अकाउंट ऑफ द कन्वर्जेंस, तो वो जो रिजर्व्स है जो कि क्रिएट होगा ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जेंस, वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से ऐड बैक होगा. अब नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, अब यहां पे असेसिव बुरी तरह से अल्टीमेटली क्या होने वाला, पिटने वाला है, क्योंकि वो लेकर अचानक मेरी नोशनल इनकम बढ़ गई. नोशनल इनकम ही तो है एट द एंड ऑफ द डे, कन्वर्जेंस के साल में अचानक इसकी नोशनल इनकम बढ़ जाती है और उस नोशनल इनकम को आप बोलोगे कि बुक प्रॉफिट में लो और बुक प्रॉफिट में आप चलो अल्टीमेटली मैट पे करने के लिए. तो आप सोचो अचानक नोशनल इनकम बढ़ने से बुक प्रॉफिट भी काफी हद तक बढ़ जाती है और इस वजह से उसकी मैट लायबिलिटी बनती है, ये पोजिशन बनता है.
तो अब इसी चीज को अल्टीमेटली हैंडल करने के लिए क्या है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट तैयार किया गया है। और बताओ क्या है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये सिचुएशन में यहां पे ऐड आप करते हो 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट। ये बोलते हैं कि ठीक है हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है, ये जो प्रॉफिट जो रिपोर्ट हुआ है ना कन्वर्जेंस की वजह से, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन अमाउंट, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन अमाउंट। और ये ध्यान रखना डायरेक्टली हम इक्विटी में ऐड करते हैं, ये ओसीआई में नहीं खेला जाता गेम। ओसीआई में तो एक बार आप कंप्लायंट हो गए फिर अगले साल से जब जब 31 मार्च होगा तब हम ओसीआई में उसको लेते रहेंगे, लेकिन ये कन्वर्जेंस के समय पे अचानक आपकी बैलेंस शीट चेंज हो गई तो वो जो अल्टीमेटली अमाउंट है उसको ट्रांजिशन अमाउंट को हम क्या कर देते हैं इक्विटी में, मतलब कि कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो ये वाला जो ट्रांजिशन अमाउंट है, तो अचानक वो ट्रांजिशन अमाउंट का कितना हिस्सा अल्टीमेटली आप कंसिडर करोगे ये ध्यान रखना। तो उन्होंने बोला है 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट, तो जितना अमाउंट वो कन्वर्जेंस के समय पे अल्टीमेटली आपका बना है बैलेंस शीट अल्टीमेटली जो कैरिंग वैल्यू पे जो आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो जो ट्रांजिशन अमाउंट आपका बना है उसका 1/5 आपको लेना है। और वो आप क्या करोगे ऐड करोगे, वो आप क्या करोगे ऐड करोगे, तो 1/5 ऑफ द ट्रांजिशन अमाउंट ये आपको ऐड करना है। लेस क्या होगा यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में, अब यहाँ पे नोटिस करना स्टूडेंट्स, ऐड और लेस एज अ केस में भी मतलब डिपेंड करता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मतलब पॉसिबिलिटी दोनों चीज हो सकती है ना। हमारे दिमाग में तो सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट चल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव वाला केस बन जाए कि भैया आपने रीवैल्यू क्या किया अपने एसेट, सीधे अल्टीमेटली क्या हो गए नेगेटिव ही दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट दिख रहा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो उससे तो अल्टीमेटली जब मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्जन जब करूंगा तो डेफिनेटली मुझे एक नेगेटिव अमाउंट आना है। तो इस वजह से वो जो कन्वर्जन का जो डिफरेंस है उसको हम ट्रांजिशन अमाउंट कहेंगे, उसका 1/5 ही मुझे क्या करना है ऐड करना है, और ये 1/5 ऐड होता रहेगा उस 5 सालों में। तो ये तो चलो ठीक है, टुकड़ों में क्या करना होगा, दवाई के रूप में इसका बोझ आपको झेलना होगा 5 सालों तक, दवाई के रूप में 5 साल तक। लेकिन बात तो वही हुई ना, कंपनी क्या बोलेगी, यार आपने वो एसेट्स और वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी तो अल्टीमेटली क्या होगा वो ट्रांजिशन अमाउंट का हिस्सा बनेगा, और जब आपने कह दिया है कि इक्विटी और वो एसेट्स जो है उसका जो भी अल्टीमेटली कैरिंग अमाउंट से जो डिफरेंस आता है वो हम उसको इनकम मानेंगे ओनली इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, जिस साल इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा उसी साल इसको इनकम मानी जाएगी, तो फिर आप इतना जल्दबाजी अभी क्यों दिखा रहे हो टू टैक्स एट पर्टिकुलर अमाउंट। बात तो सही है, तो इनको ये भी बोला गया है कि भाई ट्रांजिशन अमाउंट में तो वो एसेट्स और इक्विटी का भी जो रिवैल्यूएशन होगा वो भी कैप्चर हो जाता है, और उसी हिसाब से अगर वो कैप्चर हो गया तो 1/5 में जब कैलकुलेशन होगा तो आप वो ऐड कर रहे होंगे 5 सालों तक इन द ईयर ऑफ कन्वर्जेंस में, जो अल्टीमेटली जो डिफरेंस दोनों के बीच में बनता है बिटवीन द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड द फेयर वैल्यू, तो वो फेयर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में जो डिफरेंस बनेगा वो ट्रांजिशन अमाउंट है, उसमें ये इक्विटी और एसेट्स जो है उनका भी अल्टीमेटली डिफरेंस ट्रांजिशन अमाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, और उसका फिर 1/5 आप लेते हो। तो जब आपका इंटेंशन ही है कि एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में जो भी वैल्यू का जो डिफरेंस बनता है उसे हम टैक्स करेंगे ओनली इन द ईयर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स एंड द इन्वेस्टमेंट, तो अभी क्यों आप कन्वर्जन के साल में आपको इसको ट्रांजिशन अमाउंट में रख के आप इस पे हमें 1/5 फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स टैक्स करते रहो। तो बात तो सही है, तो गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि ट्रांजिशन अमाउंट जो है वो ट्रांजिशन अमाउंट में ये चीज नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा यहाँ पे, वो जो अमाउंट जो कि ओसीआई में चला जा रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ सरप्लस ऑफ द एसेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या प्लांट एंड इक्विपमेंट, वही जो पॉइंट हमने ऊपर देखा था स्टूडेंट्स, वो वाले जो रीवैल्यूएशन जो होंगे कन्वर्जेंस के दिन पे, और उससे जो कि जो भी सरप्लस या नेगेटिव आइटम जो बनेगा वो हम ट्रांजिशन अमाउंट में कंसिडर नहीं करेंगे, दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड इन द ट्रांजिशन अमाउंट। और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांजिशन अमाउंट को आपको कम करना पड़ेगा उसके मुताबिक, और फिर उसका बैलेंस जो बचता है ट्रांजिशन अमाउंट का उसका आपको 1/5 क्या है लेना है, एंड ये 1/5 एडजस्टमेंट आप करते रहोगे इन कंप्यूटिंग योर बुक प्रॉफिट। और फाइनली आ जाता है स्टूडेंट्स,
क्या आ जाता है यहाँ पे, फॉरेन ऑपरेशंस। अब स्टूडेंट जहाँ तक मेरा मानना है, थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, व्हाट आई स्ट्रांगली फील इज दिस, एग्जामिनेशन में आप लोगों को जो नॉर्मल क्वेश्चन जो बनते हैं, ए लिमिटेड ये है, ये आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ए लिमिटेड का ये पर्टिकुलर होगा और ए लिमिटेड की नेट प्रॉफिट इस तरीके से होगी, नेट प्रॉफिट है ₹200 लाख, ठीक है, 200 लाख की नेट प्रॉफिट है इसकी, और इसमें आपको बाद में सारे डेबिट और क्रेडिट क्या हुए हैं वो आपको बता दिया जाएगा। इस नेट प्रॉफिट में जो भी डेबिट और क्रेडिट होगा, जो डेबिट जो हुए हैं और जो क्रेडिट हुए अकॉर्डिंगली वो आपको बता दी जाएगी। तो वही होता है ना कि हम देखते हैं कि क्या क्या ऐड और लेस करना है, वो सब चीज़ उसके हिसाब से हम तय करते हैं, ठीक है। तो द सेम वे यहाँ पर भी करना है आपको, सो द सेम इज द पर्टिकुलर वे जो आपको यहाँ पर भी करना होगा। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन का मैं आपको ढांचा दिखा रहा हूँ, ढांचा दिखाया जा रहा है और मैं यही क्वेश्चन रखने वाला हूँ आपके मॉडल टेस्ट पेपर पे। तीन पेपर बन रही हैं, सावधान हो जाइए, और हमारी पेपर्स की स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होता है और हमारा पेपर का इंतज़ार किया जाता है, ए बी सी एनालिसिस की इंतज़ार किया जाता है, बाकी टीचर्स उसको कॉपी करते हैं, अल्टीमेटली कॉपी करने के लिए अल्टीमेटली वेट करते हैं कि कब इनका ये आ रहा है, कब इनका वो आ रहा है, ये भी बता दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना जो गेम मैं खेलता हूँ वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, तो सारे पत्ते मैं उस समय पे खोलता नहीं हूँ, ये सब टाइमिंग की बात होती है। तो उस वजह से ध्यान रखना है, इस सिचुएशन पे मैं कुछ मॉडल टेस्ट पेपर में इस पे कुछ बात रखने वाला हूँ, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना उस चीज़ को लेके। अब जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनेगा कुछ इस तरीके से होगा, नेट प्रॉफिट तो दे दिया आपको 200 लाख से, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे इन्फॉर्मेशन आता है, मैट पे अगर कोई क्वेश्चन बनना है और इस एडजस्टमेंट को लेके बनाना है तो यही क्वेश्चन आएगा, पहला साल वाला क्वेश्चन, ट्रांजिशन। लॉजिकली सोचो ना, इंडेस कंप्लायंट वाली कंपनी जो होंगी वो तो बात की बात होगी, अभी तो फिलहाल पहले साल का कन्वर्जेंस बता दो, तो वो बताएंगे कि ये कंपनी ने 31 मार्च 2017 को ये क्या करती है, ये कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्जेंस होती है उसकी, और कन्वर्जेंस की वजह से वो आपको बताएंगे जैसे कि इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू और इसका फेयर वैल्यू, क्या क्या बताएंगे, प्लांट की बताई, फिर दूसरा है आपका अल्टीमेटली क्या क्या है। देखो ऐसे ही होगा, पहले विजुलाइज करो बाद में गेम खेलना, और मॉडल टेस्ट पेपर में पहले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे बाद में उसका सोल्यूशन देखना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का क्या होगा, और फिर मैं लिखूंगा अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है ना, ये भी बैलेंस शीट में आता है, तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट ये सब चीज़ें इसका आपको बताया जाएगा कि भाई ये 1 लाख है, ये 1.5 लाख है, अब अकॉर्डिंगली डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे 1.5 लाख, 2.5 लाख, अदर इन्वेस्टमेंट में ये होगा आपका 1 लाख, ये 3 लाख, रिटायरमेंट पे 3 लाख, ये 4 लाख। तो मुझे इस पे जो इजाफा हुआ है ये मुझे कंसिडर ऊपर वाले दो को नहीं करना है, लॉजिकली सोचो, जो इजाफा हुआ है इस पे 2 लाख और ये 1 लाख, यही मेरे काम की चीज़ है, और इससे अल्टीमेटली ये 3 लाख को मैं कहूँगा मेरा ट्रांजिशन अमाउंट, ये अलग से वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, और इसका मुझे लेना होगा 1/5। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स जो दिखाया गया है 200 लाख, तो मैं ऐड और लेस करता हूं क्या, स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट जो दिए गए हैं, जो कि आपको नॉर्मल 115JB में आते हैं, स्पेसिफाइड एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 115JB, तो वो आप ऐड और लेस कर ले, वो आप ऐड और लेस कर ले, ठीक है ना। तो वो आप ऐड और लेस करके चलेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी होगा अमाउंट, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपकी वैल्यू बढ़ गई है तो 1/5 आप करोगे ऑफ ₹3 लाख, तो कितना आ गया बता दो, 20,000 कितना आता है 3 लाख का 1/5, 60,000। तो देखो ये एग्जामिनेशन में 60,000 ये आपको अलग से क्या करना होगा, ऐड
करके चलना होगा, 60,000 ये अलग से आपको ऐड करके चलना होगा और इस हिसाब से बनेगी आपकी दी बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर सपोज टू डू। डिड यू गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? ठीक है ना, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली बात बनी है, तो ये बनता है स्टूडेंट्स बुक प्रॉफिट और इस तरीके से मैट इस पे चढ़ेगा। तो मैं आपको एक्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, गुमराह मत हो जाइएगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हमने अब कर लिया है, अब आप ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक में अगर हो सके तो ये फॉर्मेटिंग पेज 90, ये सब चीज़ें एक बार रीड करके चलना ऊपर ऊपर से, ये सब फॉर्मेटिंग है। मैंने ये सारे 90, 93, 94 ये सब डिस्कस कर लिया है, सब डिस्कस हो चुका है। ये चीज़ को किस तरीके से रिफ्लेक्ट अपॉन कर किया जाएगा, ये सब चीज़ आपके सामने है। तो ये थियोरी है इसकी जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, प्राइमरी पेज 94 तक। 95 में स्टूडेंट्स मैट क्रेडिट मिलेगा आपको वीज अ वीज फॉरन टैक्स क्रेडिट, पेज नंबर 95 में। वो अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद, तब जाके अल्टीमेटली क्या होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ब्रेक ले लो आप लोग 10 मिनट, तब तक ब्रेक में पढ़ते रहो, ये थियोरी पढ़ लो 94 तक रीड कर लेना आप लोग, तो ब्रेक के बाद चालू करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, चलिए फिर ब्रेक ले लो 10 मिनट, आ जाओ, फिर बाद में चालू करते हैं फॉर इंटरनेशनल टैक्सेशन।
चलिए स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो अब स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर एडजस्टमेंट्स जो है इस कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो होपफुली आपने ब्रेक में, ब्रेक तो 10 मिनट का और प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इससे एक चीज आप लोगों को आइडिया लग गई किस तरीके से आपके अपने अटेम्प्ट में। देखो नॉलेज एक चीज़ होती है लेकिन बाद में रिफ्लेक्शन भी एक होता है। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को जानने के बावजूद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन में जिस तरीके से ये उभर के आना चाहिए, और यही चीज़ अल्टीमेटली डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड जस्ट पासिंग द एग्जामिनेशन, और या फिर बहुत लोग का तो पास भी एक बहुत बड़ा सपना हो जाता है डीटी में। तो वही बात है कि किस तरीके से आपने इसको अल्टीमेटली अप्लाई किया है, वही अल्टीमेटली की है एज फार एज योर अल्टीमेट परफॉर्मेंस इज कंसर्न। तो अब स्टूडेंट्स आ जाओ इंटरनेशनल टैक्सेशन में पेज 97 में। इन पेज 97 सारे स्टूडेंट्स आ जाए, और यहाँ पे अब ये अमेंडमेंट जो है इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और इस कॉन्टेक्स्ट में जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन में वो लगभग चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्जामिनेशन में आपको मई 18 में दिख जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ योर एप्लीकेशन, कैसे आप इसको आजमाओगे एग्जामिनेशन में। इनिशियल जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट पहला जो अमेंडमेंट है, ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र है जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स में देखा गया है, आपको पता होगा ये जैसे इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का जो अमेंडमेंट है, मैंने कहा है सब स्टूडेंट्स लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि 2012 का ये अमेंडमेंट शुरू अमेंडमेंट हुआ था 2012 से, लेकिन तभी अपने आप में जो अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज नॉट अपने आप में फुल्ली कंपैटिबल कि उस पर कोई क्वेश्चन बनाया जा सके, और यही वजह थी कि इसको उन्होंने फिर बाद में क्या कर दिया, subsequently they have tried to put forth their more amendments 2014 में 2015 में देखने को मिला है, और तब अब मैं कह सकता हूँ कि अब पूरी तरह से अब रेडी है कि एक क्वेश्चन इस पर बन सके। तो अब क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस वजह से जो 911 में जो है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र का जो प्रोविज़न, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट अब वही क्या है जो जनरल प्रोविजन है वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि एक फॉरेन कंपनी अगर है, उस फॉरेन कंपनी में एक ने क्या किया है, उसने एक इंडिया के एक एसेट में इन्वेस्ट किया है, सो दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, और इसी वजह से ध्यान से सुनना, इसी वजह से उस फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स की जो वैल्यू है, फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो सब्सटैंशली मिल रही है उनको फ्रॉम एन इंडियन एसेट्स। तो अगर ये देखा जाए कि अगर फॉरेन कंपनी की अपनी शेयर्स की वैल्यू सब्सटैंशली आ रही है फ्रॉम द इंडियन एसेट्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाता है, तो ऐसे केस में हम थ्रू दैट डीमिंग फिक्शन ऑफ 911 क्या मानेंगे, दैट द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो वो लोकेशन उसकी इंडिया में रखने के लिए हमें वो कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या उसकी शेयर्स की वैल्यू, फॉरेन कंपनी की शेयर्स की वैल्यू जो बन रही है वो क्या सब्सटैंशली इंडियन एसेट से आ रहा है। अगर आपका आंसर यस हो जाता है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज सिचुएटेड इन इंडिया, और फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट ने अगर क्या किया होगा, एनी नॉन रेसिडेंट अगर वो क्या करते हैं, अगर उस शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं टू एनी पर्सन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि वो नॉन रेसिडेंट ने एक इंडियन एसेट्स को ट्रांसफ़र किया है, तो वो नॉन रेसिडेंट ने फॉरेन कंपनी का शेयर्स को ट्रांसफ़र किया, लेकिन फॉरेन कंपनी का शेयर्स एज पर दिस 911 क्लॉज क्या माना जाएगा, इट इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, क्योंकि उसको उसकी शेयर्स की वैल्यू आ रही है सब्सटैंशली फ्रॉम द इंडियन एसेट्स। और यही वजह है कि फिर नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन कंपनी का शेयर्स को बेचता है, चाहे जिसको भी बेचे, तो वो जो कैपिटल गेन्स बनेगा दैट इज डीम्ड टू हैव अक्रूड और अराइज इन इंडिया, दैट इज डीम्ड टू हैव अक्रूड और अराइज इन इंडिया। तो ये पोजीशन है स्टूडेंट्स सो फार एज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कंसर्न।
तो अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा आपका पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना इस पे सब्सटैंशली क्या है, उसके लिए टेस्ट आपको दिए गए 10 करोड़ के ऊपर का क्या होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए इंडियन एसेट्स में। उसी के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडियन एसेट्स है उस पर मिनिमम उसकी जो इंडियन एसेट्स की जो वैल्यू है शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो जो इंडियन एसेट्स में जो उनका स्टेक लगा हुआ है फॉरेन कंपनी का, दैट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होता है, 10 करोड़ के ऊपर वाली की मिनिमम इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी होनी चाहिए 10 करोड़ के ऊपर, और दूसरा वो है कि 50% या उसके ऊपर क्या होना चाहिए टोटल इंडियन एसेट्स में उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी इज डीम टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, और इसी वजह से कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर इसको ट्रांसफर करेगा शेयर्स को फॉरेन कंपनी के, तो जो कैपिटल गेन्स बनेगा दैट इज डीम टू हैव अक्रूड और राइज इन इंडिया। अब वो नॉन रेसिडेंट जो ट्रांसफर कर रहा है शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, उसमें से उन्होंने किसको कुछ बाहर कर दिया है, किसको बाहर किया है उन्होंने, FII। अगर FII ने ऐसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर किया है तो जो कैपिटल गेन्स बनेगा FII को, दैट विल नॉट बी कैप्चर्ड विद इन द चार्जेबिलिटी ऑफ 911। तो जो नॉन रेसिडेंट हमने कहा है, जो नॉन रेसिडेंट जिसने ट्रांसफर किया फॉरेन कंपनी के शेयर्स को, तो उस नॉन रेसिडेंट में कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। तो ये एक्सक्लूजन्स के लिए उन्होंने ये पॉइंट रखा है, लेट्स हैव अ लुक। 911 में यहाँ पे देखेंगे आप लोग, एक्सप्लेनेशन 5 to 911 provides that an asset or capital asset being any shares or interest in a company or entity registered or incorporated outside India shall be deemed to be situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from the assets located in India. Exception. Exception में क्या लिखा है? Explanation 5, not applicable to investments held by non-resident directly or indirectly in held by non-resident directly or indirectly in the FIs or category 1 or category 2 portfolio investor as per the SEBI law. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या ये उन्होंने बना के रखा है। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये FII ने अपना एक फंड बना के रखा है, रजिस्टर किया FII ने इन सिंगापुर, तो इन्होंने सिंगापुर में फंड रजिस्टर किया है और FII के इन्वेस्टर्स USA में हैं, तो ये सारे नॉन रेसिडेंट ही हैं एक तरीके से, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर्स ने FII में ये किया और FII ने क्या किया है, सब्सटैंशली ये इंडिया में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो FII ने एक कंपनी बना दी है, ये इन्होंने एक कंपनी बना दी है इन सिंगापुर, और ये FII क्या है, रजिस्टर्ड है इंडिया में, सभी लॉ ने इसको रजिस्टर किया है। तो अब अगर ये इन्वेस्टर्स ने क्या किया, ट्रांसफर किया है द शेयर्स ऑफ FII, तो ऐसे केस में जो कैपिटल गेन्स बनेगा उस पर 911 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, 911 का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है इन दिस रिगार्ड। वैसे इतना इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अमेंडमेंट है तो बस पता रहना चाहिए कि ये क्या पॉइंट है और क्या किस तरीके से इसको रखा जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है इसमें FII के शेयर्स जो है, ये FII के जो शेयर्स है, मैं कह सकता हूँ शेयर्स ऑफ द FII derives its value substantially from Indian asset. Shares of the FII derives its value substantially from Indian asset. ठीक है, तो ऐसे केस में
कैपिटल गेन्स का ये जो अमेंडमेंट है ये एप्लीकेबल नहीं है. तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है एज फार एज दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इज कंसर्न. तो ये सिचुएशन दिया गया है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है सो फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, लेकिन फिर भी थोड़ा केयरफुल रहना. 9A में स्टूडेंट्स एक छोटा अमेंडमेंट किया गया है. अब ये पर्टिकुलर पॉइंट 9A भी मैंने बोला था, ये वैसे तो पहले से ही ये आ चुका है 9A, लास्ट ईयर में ही पूछा, कुछ नहीं गया क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मई 17 में 9 नवंबर 17 में. इस वजह से मैंने सारे स्टूडेंट्स को कह दिया है कि इंपॉर्टेंट होगा 9A. पेज 98 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सेक्शन 9A मिलना है. ये पूछा नहीं गया, वैसे अमेंडमेंट जो अभी हुआ है वो तो काफ़ी छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन ये सेक्शन है तो इम्पॉर्टेंट. ये फंड मैनेजर जो FIIs के जो फंड मैनेजर जो इंडिया में होते हैं उनके लिए ये अमेंडमेंट बना के रखा गया है उन्होंने, सो दैट ये एक तरीके से ये जो FIIs हैं से सिंगापुर में ठीक है और इंडिया में इनके फंड मैनेजर हैं, और फंड मैनेजर क्या करते हैं इस FIIs के बिहाफ में, इनके बिहाफ में ऑन बिहाफ ऑफ FIIs व्हाट दे डू, बाय एंड सेल सिक्योरिटी इन इंडिया. अब स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये फंड मैनेजर का इंडिया में होना एक तरीके से एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं. क्यों एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ये सिक्योरिटी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो सिक्योरिटी अल्टीमेटली वो FIIs के बिहाफ में खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं. तो एक तरीके से ये क्वेश्चन डाउट आता है मन में कि यार ये तो आदमी एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और अगर एजेंट अगर मेरा है, अगर एक नॉन रेसिडेंट अगर ये है, अगर नॉन रेसिडेंट का अगर ये कोई एजेंट इंडिया में है जो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में कोई चीज़ खरीद रहा है या बेच रहा है, तो एक तरीके से नॉन रेसिडेंट को इंडिया में बिजनेस कनेक्शन मिल जाता है. नॉन रेसिडेंट को इंडिया में फिर बिजनेस कनेक्शन मिल जाता है, और वो बिजनेस कनेक्शन की वजह से क्या होगा, एक बिजनेस इनकम सामने आ सकती है. अनफॉर्चुनेटली ये पोजिशन FIIs को नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं यार हम तो सिक्योरिटी खरीद रहे तो हमें कैपिटल गेंस का पोजिशन दे दीजिए आप लोग, क्योंकि कैपिटल गेंस का अगर आप पोजीशन दोगे तो कैपिटल गेंस जो भी बनेगा वो तो एक तरीके से या तो एग्जेम्प्ट होगा 1038 में, या फिर अल्टीमेटली क्या हो सकता है यहाँ पे 111A में 15% का कंसेशनल रेट मिलेगा. तो फंड मैनेजर अगर इंडिया में है तो एक तरीके से बिजनेस कनेक्शन को जन्म देता है इन इंडिया, और वही बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया की वजह से क्या होगा, आपको पता चल सकता है कि बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के होने की वजह से दिस विल लीड टू वॉट, लीड टू एन इनकम विच इज डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया, और वो इनकम को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज अ बिजनेस इनकम. तो ये पोजिशन FIIs को पसंद नहीं होगा, और इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया है, 9A डाला है. और 9A क्या कहता है कि मियरली कि फंड मैनेजर का इंडिया में प्रेजेंस है, फंड मैनेजर का FIIs के फंड मैनेजर का इंडिया में प्रेजेंस है, मियरली इनके प्रेजेंस से हम ये एक बिजनेस कनेक्शन वाला रिलेशनशिप नहीं इसको मानेंगे. तो बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा मियरली बाय वर्च्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फंड मैनेजर्स इन इंडिया. तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस कनेक्शन हम इसको नहीं मानेंगे, और अगर ये बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, FIIs खुश रहेगा, क्योंकि अब जो भी हो खरीद रहा है बेच रहा है फंड मैनेजर उसके लिए, तो वो जो भी गेन होगा उसको हम कैपिटल गेंस की तरफ बढ़ाएंगे. लॉन्ग टर्म होगा तो एग्जेम्प्ट, शॉर्ट टर्म होगा तो 111A का रेट के अनुसार उसको टैक्स लगेगा, क्योंकि अगर यही बिजनेस इनकम अगर बन जाए तो आप जानते हो कितनी क्षति पहुंचेगी, क्योंकि बिजनेस इनकम पे कोई एग्जेम्पशन नहीं होता. 1038 का एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को दिया जाता है, ना कि बिजनेस इनकम को, और दैट इज़ द रीज़न ऑफ दिस 9A का प्रोविजन. तो ये 9A स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नहीं ये मई 17 में आया था, ना ही ये नवंबर 17 में पूछा था, सो जस्ट बी केयरफुल ऑन दिस वन. स्टूडेंट्स आइए पेज 99 में पोएम. पोएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मई 18 नवंबर 18 में जो भी स्टूडेंट्स जाएंगे एग्जाम देने के लिए वो पोएम पे खास नज़र बना के चले. पोएम कंसेप्ट इंडिया में स्टूडेंट्स काफ़ी लेट आया है, बाकी जितने भी देश हैं वर्ल्ड वाइड, मैंने कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे जब मैंने काम किया था
तो उस समय पे तो ये पोएम तो बहुत ही देशों में अल्टीमेटली पहले से ही था. इंडिया में पोएम नहीं था, इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट पहले हुआ करता था. पहली बात समझ लो स्टूडेंट्स, एक इंडियन कंपनी जो होती है वो हमेशा इंडिया की रेसिडेंट मानी जाती है. एक कंपनी की अगर हम रेसिडेंशियल टेस्ट निकालें, कंपनी की अगर रेसिडेंशियल टेस्ट निकाली जाए तो इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया. बात इंडियन कंपनी की तरफ नहीं है, बात है टुवर्ड्स अ फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी को इंडिया में टैक्स रेसिडेंट एज पर द ओल्ड लॉ तभी माना जाता. एज पर द ओल्ड लॉ फॉरेन कंपनी को इंडिया का टैक्स रेसिडेंट तभी माना जाता व्हेन एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज सिचुएटेड इन इंडिया. एंटायर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज सिचुएटेड इन इंडिया. इसका मतलब यही है कि पार्ट कंट्रोल इंडिया के बाहर है और पार्ट कंट्रोल इंडिया में है. वो कितना भी हिस्सा इंडिया के बाहर हो, 10% हो, 20% हो, जो भी हो, अगर पार्टली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया अगर होगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. अब इसी वजह से एक बहुत बड़ा लैकुना था लॉ के अंदर, क्योंकि देखा जा रहा था कि बहुत सारी फॉरेन कंपनी, लाइक पकड़ लो आप जैगुआर कार ही देख लो, टाटा ने खरीदा हुआ है, फॉरेन कंपनी है. अब इनिशियल साल में तो अल्टीमेटली टाटाज ने उसकी कंट्रोल रखी हुई थी. जब तक ये प्रॉफिट सेंटर ना बन जाए, जब तक ये प्रॉफिट में तब्दीली ना हो जाए, तब तक टाटाज ने उसकी कंट्रोल अपने हाथ में रखी हुई थी. अब होता क्या था कि पार्ट कंट्रोल इंडिया के बाहर, पार्ट कंट्रोल इंडिया में, वो जानबूझ के थोड़ा बहुत कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर रखते थे. उसकी वजह क्या होती थी? क्योंकि वो बन जाए इंडिया में नॉन रेसिडेंट, वो फॉरेन कंपनी में को इंडिया में नॉन रेसिडेंट अल्टीमेटली माना जाए. लेकिन ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में ही होती थी. तो क्योंकि इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में ही होती थी, क्योंकि मेन तो कंट्रोल इंडिया से ही हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत आपने ढकेल दिया इंडिया के बाहर तो बन गए आप नॉन रेसिडेंट ओल्ड लॉ के अनुसार. तो ये अब चीज़ ना हो, इस वजह से इन्होंने ये अमेंडमेंट डाल दिया है कि अब एक फॉरेन कंपनी टैक्स रेसिडेंट इंडिया में होगी या नहीं होगी, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है ना? तो ये सिचुएशन देखा जाएगा. तो फॉरेन कंपनी के लिए इंडियन कंपनी हमेशा एक टैक्स रेसिडेंट मानी जाती है इंडिया में. लेकिन जहां तक फॉरेन कंपनी की बात हो तो उसकी पोएम देखी जाएगी कि क्या वो पोएम उसकी इंडिया में है या नहीं. उसके बेसिस पे तय किया जाएगा कि ये टैक्स रेसिडेंट इंडिया में उसको माना जा सकता है या नहीं. सो ऑन दैट ग्राउंड स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक कि एग्जैक्टली क्या है. अभी ये ट्रांजिशन प्रोविजन आप रहने दें, सीधा सीधा मेन पॉइंट पे आ जाओ कि ये क्या गेम है. इसमें स्टूडेंट्स गाइडेंस ये दिया गया है, ये बस पढ़ के रखना चाहिए कि ये क्या गाइडलाइंस सीबीडीटी ने दी है कि ये जो पोएम का जो कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो वो आप उस फॉरेन कंपनी में अप्लाई करोगे जिसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट कितना है, 50 करोड़ या मोर देन 50 करोड़. तो मोर देन 50 करोड़ वाली कंपनी को ही पोएम के टेस्ट पे आजमाया जाएगा. मोर देन 50 करोड़ वाली टर्नओवर वाली फॉरेन कंपनी को ही आप पोएम के टेस्ट पे लाओगे. कहने का मतलब है अगर फॉरेन कंपनी का टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है तो आप वही पुराने लॉ के अनुसार जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे तय किया जाता था उसी के अनुसार तय करोगे कि ये टैक्स रेसिडेंट इंडिया में मानी जाएगी या नहीं. So more than 50 crores is the criteria to decide whether a foreign company can it be considered as a tax resident in India or not. अब ये देखो students, ये वाला point आपको ध्यान से रखना होगा. Identification of POEM. Company fulfilling the test. कौन सा test उन्हें fulfill करना पड़ता है? ABOI test. ABOI test का मतलब है Active Business Outside India test. ये test उनको fulfill करना है. तो या तो ABOI टेस्ट फुलफिल हो रहा है या फिर ये ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है. आइदर ऑफ इट पोजीशन है, या तो ABOI टेस्ट फुलफिल हो रहा है या तो ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है. तो ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन बन सकता है. तो यहाँ पे पहले इस पर्टिकुलर चार्ट में आने के पहले हमें ये ABOI टेस्ट देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट है क्या एग्जैक्टली. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स पहले ये टेस्ट देखेंगे फिर ऊपर आएंगे ये चार्ट में. अब ये देखिएगा स्टूडेंट्स ये ABOI टेस्ट क्या है. इन दिस रिगार्ड ये पहला वाला ABOI टेस्ट में दो देखिए एंड लिखा हुआ है. ये दोनों चीज क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए, तब जाके ही हम मानेंगे कि ये फॉरेन कंपनी का बिजनेस एक्टिव आउटसाइड इंडिया है.
ये दोनों ही बॉक्स के कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, तब जाके ही हम मानेंगे कि इस फॉरेन कंपनी का बिजनेस एक्टिव आउटसाइड इंडिया है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया ये कहता है कि जो पैसिव इनकम है वो शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी। तो पैसिव इनकम जो भी होंगे उस फॉरेन कंपनी के, दैट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी। अब आप बोलोगे कि पैसिव इनकम का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। और जो सेकेंड बॉक्स में मिलेगा, तो उन्होंने कुछ बताया गया रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस हैं, ये सारे जितने पॉइंट आपको दिए गए हैं वो रिसोर्सेस हैं, तो दीज रिसोर्सेज शुड बी लेस देन 50% इन इंडिया। ये सारे रिसोर्सेज शुड बी लेस देन 50% इन इंडिया। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, कि जो फॉरेन कंपनी का पैसिव इनकम है शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। और जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि जो रिसोर्सेज फॉरेन कंपनी के हैं इन इंडिया शुड बी लेस देन 50%। विच आर दोज रिसोर्सेज, वो देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखोगे पैसिव इनकम को उन्होंने डिफाइन किया है। व्हाट इज दिस पैसिव इनकम? जैसे कि रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम। मतलब कि बिजनेस इनकम को छोड़ के बाकी सब इनकम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की है, तो वो बन जाएगा आपका पैसिव इनकम। उसी तरीके से पॉइंट नंबर टू अगर आप देखोगे, फ्रॉम ट्रांजैक्शन वेयर बोथ, ये बोथ को अंडरलाइन या हाईलाइट करके चलो, बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम और टू दी ए, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तब जाके ही हम मानेंगे दैट द इनकम इज पैसिव। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ध्यान रखेंगे ये रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट और रेंटल इनकम तो ठीक है, लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो क्या कहता है, फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, मतलब खरीद भी रहा हूँ ए ही से और बेच भी रहा हूँ ए ही को, खरीद भी रहा हूँ ए ही से और बेच भी रहा हूँ ए ही को, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होता है तब जाके ही मैं कहूँगा क्या करूँगा कि ये ट्रांजेक्शन पैसिव इनकम के दायरे में आएगा, ये ट्रांजैक्शन पैसिव इनकम के दायरे में आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने खरीदा ए ही से बेचा नॉन ए ही को, या फिर खरीदा नॉन ए ही से बेचा ए ही को, ये वाला ट्रांजैक्शन हमें कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वहां पे तो एक लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में बिजनेस तो आप कर ही रहे हो, क्योंकि आपने नॉन ए ही को बेचा या नॉन ए ही से खरीदा एज द केस में भी। लेकिन यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन को हम पैसिव मानेंगे जहां पे आपने खरीदा वो गुड्स को ए ही से और वही गुड्स को फिर आप बेचते हो ए ही को, तो वो आपने बिजनेस नहीं किया, ये रिलेटेड पार्टी का पूरा लेग ऑफ ट्रांजैक्शंस था। और उसी से जो प्रॉफिट वो जो बनती है वो लेग ऑफ ट्रांजैक्शन से अगर कोई भी इनकम कमाया होगा तो वो इनकम को हम पैसिव इनकम घोषित कर देंगे, और वो इनकम प्लस रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स, इंटरेस्ट सब मिला के अगर आप करोगे तो वो कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर आप करते हो तो हम मानेंगे कि आपका बिजनेस एक्टिव है। इसका मतलब यही होगा, पहले बॉक्स से स्टूडेंट्स क्या बाहर निकलता है बाजू में लिख सकते हो, ये वो पहला बॉक्स है वो आपको क्या टेस्ट फाइनली देगा कि आपका बिजनेस एक्टिव है या नहीं। सो द फर्स्ट बॉक्स विल टेल यू वेदर योर बिजनेस इज एक्टिव और नॉट। एंड सेकेंड बॉक्स, बताओ सेकेंड बॉक्स क्या करने वाला है, सेकेंड बॉक्स रिसोर्स वाला टेस्ट है। तो इसमें क्या है, पॉइंट नंबर वन, टोटल एसेट इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो एसेट टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिचुएटेड और रेसिडेंट इन इंडिया, एम्प्लॉय वाला टेस्ट। और तीसरा है पेरोल एक्सपेंस ऑन एम्प्लॉय इन टू अबाउ कंपेयर टू टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों टेस्ट जो हमारे पास है, इसमें से रिसोर्स जो मैंने कहा है वो लेस देन 50% इंडिया में होना चाहिए। अगर है तो मैं कहूँगा क्या है, आउटसाइड इंडिया ये फॉरेन कंपनी है। तो बिजनेस एक्टिव है या नहीं पहला बॉक्स, आउटसाइड इंडिया का टेस्ट क्या है दूसरा बॉक्स। तो पहले पता लगाएं कि बिजनेस एक्टिव है या नहीं, अगर बिजनेस एक्टिव है तो ये भी पता लगाओ कि आउटसाइड इंडिया है या नहीं, तो आउटसाइड इंडिया के लिए दूसरा बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स एक्टिव बिजनेस वाला टेस्ट देगा आपको, सेकंड बॉक्स आउटसाइड इंडिया है या नहीं उसके लिए अल्टीमेटली आपको टेस्ट दिया जाएगा, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीज आपको साथ में रखनी पड़ेगी, बोथ द थिंग्स हैज टू बी टेकन टुगेदर, ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, फाइन। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक केस आया था जहां पे कि एक फॉरेन कंपनी है,
उसने पैसिव इनकम, मतलब वो बात सही है कि भाई पैसिव इनकम है वो 20% है उसका, मतलब कि बिजनेस एक्टिव है इसका मतलब, जो पैसिव इनकम है उसे 20% था, इसका मतलब बिजनेस एक्टिव है। अच्छा, अब दूसरी क्या हुई, वो पता लगा रहे थे कि उसकी एसेट्स देखा गया कि वो फॉरेन कंपनी के एसेट्स कहाँ पर है, तो 90% ऑफ एसेट इंडिया के बाहर, मतलब सिर्फ इंडिया में 10% एसेट है, 85% एम्प्लॉय इंडिया के बाहर थे, जितने भी उस फॉरेन कंपनी के पेरोल में जो एम्प्लॉयज थे 85% एम्प्लॉय इंडिया के बाहर थे। तो अब उम्मीद बन रही है, क्या बन रही है कि भाई एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट सेटिस्फाई होना तय है, लेकिन रुक जाइए, वो जो 15% जो एम्प्लॉय इंडिया में थे उसमें से 3 एम्प्लॉय का ब्यौरा मैं दे दूं, एक था MD जो इंडिया में है, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट उस फॉरेन कंपनी का, वो भी इंडिया में था, और ये 3 एम्प्लॉय का सैलरी अगर देख लिया जाए तो दिस वॉज इक्वलेंट टू 60% ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द फॉरेन कंपनी, 60%। तो आप खुद देख सकते हो कि 60% अगर सैलरी उसका इंडिया में है, मतलब कि उसका जो एम्प्लॉय का पेरोल एक्सपेंसेस इंडिया में हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है? एंड आंसर इज नो। और क्योंकि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इस वजह से बताइए क्या आंसर फाइनली हम लिखेंगे, दैट द बिजनेस ये जो है ABOI टेस्ट जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि ये तीन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करना, नहीं, तीनों सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तब जाके ही ये ABOI टेस्ट को फुलफिल माना जाएगा। चलिए, अगर जो भी हुआ ABOI टेस्ट फुलफिल हुआ या नहीं, तो अब आ जाइए मेन चार्ट पे। मेन चार्ट क्या कहेगा, कंपनी फुलफिलिंग द टेस्ट दैट इज एंगेज इन ABOI, अगर वो फुलफिल कर देते हैं ये टेस्ट तो पोयम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया। अगर ये टेस्ट जो अभी अभी हमने देखा था वो अगर फुलफिल हो जाता है, देन द पोयम इज प्रिज्यूम टू बी आउटसाइड इंडिया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे देखना, ये तो जनरली हम लिखेंगे, ये नीचे क्या बता दिया है, हाउएवर इफ डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट इंडियन पेरेंट और रेसिडेंट, पोयम शैल बी इन इंडिया। डी फैक्टो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास है? अब ये डी फैक्टो का मतलब क्या हुआ, डी फैक्टो का मतलब क्या होता है चुन्नी बाबू, बता दो जल्दी से, व्हाट डू यू मीन बाय डी फैक्टो? ऐसी गेम खेलने आप लोगों के साथ बहुत मजा आता है मुझे, यही बात समझ में, जहां पे आप देखते रहते हो अल्टीमेटली, और एक तरीके से बोलते हो ना कि गेस वर्किंग आपकी चलना चालू हो जाती है। मैं जब स्टूडेंट्स के सामने रहता हूँ ना, स्टूडेंट्स के सामने, और जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तब तो मैं उनकी आंखों में पेनिट्रेट कर जाता हूँ जब क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं सामने रहता हूँ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, तब स्टूडेंट्स तभी नज़र चुराते हैं, अल्टीमेटली नीचे यहाँ वहाँ देखेंगे, तब तक तो बराबर दिखते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा यहाँ वहाँ देखेंगे, नीचे देखेंगे, इस तरीके से तो अल्टीमेटली ये आँख मिचोली का खेल खेला जाता है, जब फेस टू फेस सामने आ जाओ तब। इसलिए आप की सलामती इसी में है कि मैं आपसे दूर रहूं, नज़दीक आ जाऊंगा तो पता नहीं कयामत आ जाएगी, इज़न्ट इट? तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा जल्दी से जल्दी कि ये डी फैक्टो का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस डी फैक्टो कंट्रोल? और वैसे भी एकदम दाढ़ी बड़ी हुई है तो एक इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी सामने आ जाता है, इज़न्ट इट? तो ये नहीं पता चल रहा है कि सर हंस रहे मन मन में या क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन सामने झलक नहीं आती है ना आप लोगों को उस समय पे। तो फिर ऐसे केस में बताओ जल्दी से, व्हाट इज डी फैक्टो? अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये चीज़ आपको पता भी होगी कि यहाँ पे आपके लास्ट जो अपने यूपीए गवर्नमेंट थे, तो प्राइम मिनिस्टर तो भाई थे हमारे मनमोहन सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, लेकिन डी फैक्टो कंट्रोल जो था प्राइम मिनिस्टर का वो था एट 10 जनपथ, इज़न्ट इट? तो इस वजह से डी फैक्टो कंट्रोल अल्टीमेटली ये होता है कि वो उसके डिसीजन को ओवरूल करने की ताकत रख सकता है, तो ये सिचुएशन है अल्टीमेटली डी फैक्टो कंट्रोल। तो
अगर डी फैक्टो कंट्रोल इंडियन कंपनी या इंडियन पेरेंट या इंडियन रेसिडेंट के पास है, तो ऐसे केस में वो पोएम फिर वो इंडिया के बाहर, भले ही उसने आउटसाइड इंडिया टेस्ट अल्टीमेटली एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट उसने फुलफिल कर दिया है, लेकिन उसकी पोएम काम आनी जाएगी इन इंडिया, उसकी पोएम काम आनी जाएगी इन इंडिया। अब दूसरा वाला केस देख लो स्टूडेंट्स, अगर उसने ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं किया, अगर उसने ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं किया, मतलब मान के लो कि उसका बिजनेस एक्टिव नहीं है, मतलब पैसिव इनकम इज मोर देन 50%, जो पैसिव इनकम है मान के चलो इज मोर देन 50%, तो ऐसे केस में क्या उसकी पोएम इंडिया में मानी जाएगी? ऐसे केस में क्या उसकी पोएम इंडिया में मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये बिजनेस एक्टिव नहीं है क्योंकि पैसिव इनकम इज मोर देन 50%। लेकिन ये कहाँ से तय होता है कि ये अल्टीमेटली इसकी पोएम इंडिया में है? आप तुरंत कंक्लूड कुछ नहीं करोगे कि हाँ भाई क्योंकि इसकी बिजनेस एक्टिव नहीं है इसकी वजह से पोएम इंडिया में है। अरे भाई ऐसा कैसे आ गया, ये कैसे कह सकते हो कि इसकी पोएम इंडिया में मानी जाएगी? इसी वजह से यहाँ पे देखो टेस्ट क्या लिखा है, 2-stage test। देखो कंपनी इज नॉट फुलफिलिंग द टेस्ट, तो क्या होगा ऐसे केस में? 2-stage test टू डिटरमाइन पोएम। तो वो टेस्ट क्या है? पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाई persons हु मेक की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल decisions फॉर कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस एज अ होल। वो व्यक्ति जो कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल decisions ले रहे हैं फॉर कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस एज अ होल, वो पॉइंट नंबर 1 आ गया। पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइन द प्लेस वेयर दीज decisions आर इन फैक्ट बींग मेड। डिटरमाइन द प्लेस वेयर दीज decisions आर इन फैक्ट बींग मेड। तो पहले पोयम तुरंत मत कंक्लूड कर देना कि भाई इंडिया में, ये गलत होगा आपकी तरफ से कि हाँ भाई पोयम इंडिया में, ये अगर इस तरीके से बताओगे तो ये गलत होगा आपकी तरफ से, ये नहीं करना है आपको। आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव बिजनेस अगर इंडिया में नहीं है, पैसिव इनकम अल्टीमेटली एक्टिव बिजनेस उस फॉरेन कंपनी की नहीं है क्योंकि उसकी पैसिव इनकम मोर देन 50% है, तो ऐसे केस में फिर आप उस फॉरेन कंपनी के पता लगाओ कि वो कौन लोग हैं जो इसके की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस लेते हैं। ये पहला पता लगाना है, और दूसरा क्या पता लगाना है? वो कहां पे ये डिसीजंस लेते हैं, तो कौन लेता है ये पता लगाइए, और वो कहां पे ले रहा है ये पता लगाइए। तो दिस इज व्हाट द पोजीशन इज, और इसी वजह से CBDT ने स्टूडेंट्स ये गाइडिंग प्रिंसिपल दिया है ये तय करने के लिए कि वो कौन लोग हैं जो कि कंपनी का क्या करते हैं, जो कि कंपनी के की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन लेते हैं। तो वो गाइडिंग प्रिंसिपल CBDT ने अपने सर्कुलर के जरिए दिया है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर आता है जहाँ पे ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमें मिलता है कि वो कौन लोग हैं जो कंपनी के, फॉरेन कंपनी के की मैनेजमेंट डिसीजन या कमर्शियल डिसीजन लेते हैं। सो वी लुक इन टू दैट थिंग। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, ये जो सर्कुलर दिया गया है, ये सर्कुलर आपको मिलेगा, ये यहाँ पर है, इन दिस रिगार्ड लिख देना वहाँ पे page 102, रेफर page 102। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग इसी के बाजू में जो मैंने शेड किया ना उसके बाजू में गाइडिंग प्रिंसिपल, ये कहाँ मिल रहा है गाइडिंग प्रिंसिपल? page 102। और ये गाइडिंग प्रिंसिपल कब आपको रेफर करना है? जब कंपनी इज नॉट फुलफिलिंग द टेस्ट। विच टेस्ट? ABOI टेस्ट। तो जब वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा? आपको अल्टीमेटली ये पता लगाना है कि वो कौन लोग हैं जो की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजंस फॉरेन कंपनी का ले रहे हैं, और दूसरा वो कहां पे ले रहे हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स यहां पे अगर मैं आ जाऊं, तो अगर ये देखा जाए, देखिए यहां पे मैं बस एक दो बस बता दूंगा, बस ये चीज है, ठीक है, इतना तक ही आप तक रिस्ट्रिक्ट करना, यहां तक वो शायद पूछेंगे नहीं, लेकिन कंसेप्ट पता रहनी चाहिए आप लोगों को। तो पॉइंट नंबर ए देखो, वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिटेन्स एंड इन सब्सटेंस एक्सरसाइजेस द अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी। अगर बोर्ड है जो कि इन सब्सटेंस वो अथॉरिटी रखती है टू गवर्न द कंपनी, तो वो बोर्ड, तो कौन है वो लोग जो की मैनेजमेंट डिसीजंस या कमर्शियल डिसीजंस लेते हैं कंपनी के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब क्या पता लगाना है आपको उस केस में, वो डिसीजंस कहाँ पे लेते हैं? द प्लेस वेयर मीटिंग्स आर हेल्ड एंड द की डिसीजंस आर टेकन। और अगर वो प्लेस इंडिया है, अगर वो प्लेस इंडिया है तो उसकी पोएम फिर इंडिया में मानी जाएगी। अगर उसकी प्लेस इंडिया है, मीटिंग्स की प्लेस अगर वो इंडिया है, तो फिर अकॉर्डिंगली उसकी पोएम फिर इंडिया में मानी जाएगी। पॉइंट नंबर बी देखो स्टूडेंट्स, वेयर अथॉरिटी डेलीगेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सीनियर मैनेजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, बोलते हैं कि की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन जो फॉरेन कंपनी का होगा वो कौन लेगा? वो लेगा कोई सीनियर मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर या शेयर होल्डर्स।
तो फिर ऐसे केस में आपको पता चल गया है कि भाई अब ये लोग ही ले रहे हैं सीनियर मैनेजर्स, तो वो ये डिसीजन सीनियर मैनेजर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर कहाँ पे ले रहे हैं, और अगर वो लोकेशन जहाँ पे वो ले रहे हैं वो इंडिया निकल गया, वो भले ही वो सीनियर मैनेजर क्यों ना फिरंगी क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अगर सीनियर मैनेजर इंडिया में वो डिसीजन ले रहा है तो बस हमारे लिए काफ़ी है, वो पोएम उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में मानी जाएगी। ये गाइडिंग प्रिंसिपल कब देखना है स्टूडेंट्स? गाइडिंग प्रिंसिपल तब देखना है जब ABOI टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ है, तो उस केस में पोएम उस फॉरेन कंपनी की कहाँ मानी जाएगी, पहले ये पता लगाना गया होगा कि उस फॉरेन कंपनी की मैनेजमेंट ने कमर्शियल डिसीजन कौन ले रहा है, तो वो है। दूसरा ये भी पता लगाना है कि वो ये डिसीजन कहाँ पर ले रहे हैं। तो हम लोग ये जो प्रिंसिपल है उसमें ये दोनों आस्पेक्ट हमें दिख रही है स्टूडेंट्स। तो ये बस एक सिंगल रीडिंग तक ठीक है ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। अब स्टूडेंट CBDT ने क्या किया है, एग्जाम्पल्स दिए आपको, वो जो ABOI टेस्ट का जो है ना वो उन्होंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन मैंने क्या किया तरीके से वो आप लोग ये एग्जाम्पल रीड कर लोगे ये इलस्ट्रेशन के रूप में, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये तो आप रीडिंग कर लेना, ये आपकी रीडिंग के लिए। एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैंने क्वेश्चन आपको ड्राफ्ट करके रखा इस क्वेश्चन में, तरीके से क्वेश्चन बनाया, ये ऊपर इलस्ट्रेशन दिए गए CBDT ने जो दिया है वो आप रीड कर लेना, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया था उसी के हिसाब से वो था। दिस क्वेश्चन इज द की जो मैंने बनाया कि अगर कुछ क्वेश्चन बन सकता है इनके रेसिडेंशियल स्टेटस को पता लगाने के लिए तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन आउट। DS Inc. इज एन UK सब्सिडरी ऑफ DS लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, इट हैज अर्न टोटल इनकम ऑफ INR 65 मिलियन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18। तो ये टोटल इनकम दिया गया है, अच्छा होता कि ये हमें टर्नओवर दे देते, तो मैंने बताया ना कि टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर वालों को पोएम घोषित करना होगा, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि भैया 50 करोड़ के ऊपर इसका टर्नओवर है। द ब्रेकअप ऑफ विच इज एज अंडर, तो इनकम का ब्रेकअप देखो क्या है, इंटरेस्ट इनकम 10% है, रॉयल्टी 20, इनकम फ्रॉम परचेज फ्रॉम AE एंड सोल्ड टू नॉन AE, क्या ये कंसिडर होगा पैसिव इनकम में? नहीं। इनकम फ्रॉम परचेज ऑफ नॉन AE एंड सोल्ड टू AE, ये भी नहीं होगा। नीचे इनकम फ्रॉम परचेज फ्रॉम AE एंड सोल्ड टू AE, क्या ये कंसिडर होगा पैसिव इनकम में? बिल्कुल। तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और वो लास्ट का 10%, कुल मिला के अगर आप देखो तो बनता है 40%, सो लेस देन 50% का कैटेगरी में आ गया, तो इसका मतलब बिजनेस आपका एक्टिव है ये माना जा सकता है, इज़न्ट इट? अब मुझे पता लगाना है कि आउटसाइड इंडिया है या नहीं, चलिए ये देखते हैं। The head office of DS Inc. is also located in India. ठीक है, उस foreign company का जो head office है India में है। It has 100 employees, out of which 30% employees are Indian resident. तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि 70 जो है इंडिया के बाहर है। The total payroll expenses ये देखिएगा, द टोटल पेरोल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर आर ₹10 crores, 10 करोड़ का है इनका टोटल पेरोल एक्सपेंसेस, जिसमें से आउट ऑफ विच पेरोल एक्सपेंसेस ऑफ 30% इंडियन रेसिडेंट एम्प्लॉयज कितना है, 7 करोड़। 10 करोड़ में से जो सैलरी है उसमें से 7 करोड़ इंडियन एम्प्लॉय को ही जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 50% इंडियन एम्प्लॉयज को है। तो बात खत्म वहीं पर हो जाती है, अब तो गेम पूरी की पूरी यहीं पे खत्म हो गई। इट्स टोटल एसेट्स आर वर्थ ₹50 crores, आउट ऑफ विच एसेट्स वर्थ ₹10 crores आर सिचुएटेड इन इंडिया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, ये बता के कुछ फ़ायदा ही नहीं है ये बोलना कि हाँ भाई मोर देन 50% एसेट्स इंडिया के बाहर है। मैंने कहा था वो तीन में से एक भी डिफॉल्ट अगर होता है बात खत्म हो गई। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा, और अगर जहाँ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप पहुँच जाते हो सेकेंड बॉक्स में। तो हमें क्या पता लगाना है, वो डिसीजन कौन ले रहा है उस फॉरेन कंपनी का, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन कौन ले रहा है उस फॉरेन कंपनी का, और दूसरा क्या है वो डिसीजन कहाँ ले रहा है। तो द MD एंड द CEO आर इंडियन रेसिडेंट एंड टेक ऑल द ऑपरेशनल डिसीजंस एंड साइन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स, बात खत्म हो गई। तो अकॉर्डिंगली इसके पोएम कहाँ मानी जाएगी, MD और CEO है वो इंडियन रेसिडेंट है तो वो ले रहे होंगे मेन डिसीजंस, की कमर्शियल एंड द मैनेजमेंट डिसीजंस, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में वो डिसीजन इंडिया में ले रहे हैं,
क्योंकि हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के रेसिडेंट है तो अज्यूम करेंगे कि ये इंडिया में ले रहे हैं। तो क्या हो गया उस फॉरेन कंपनी का बता दो स्टूडेंट्स, DSINC.com का ये फॉरेन कंपनी का पोएम कहाँ माना जाएगा? इन इंडिया, इन इंडिया। तो बस ये पर्टिकुलर पॉइंट था स्टूडेंट्स। तो ये एक क्वेश्चन आप देख के चलना, बी केयरफुल ऑन दिस वन। अब स्टूडेंट्स आइएगा हियर इन DTAA, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल्स। पेज 107 में आने के पहले ये जरा पेज 106 देख लेते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल पेज 107 में। उसके पहले आप लोग पेज 106 में आ जाइए, देखो क्या कुछ एक क्लेरिफिकेटरी एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, देखते हैं क्या है। एनी टर्म डिफाइंड अंडर DTAA एज वेल एज द एक्ट, अगर ये टर्म को डिफाइन DTAA में किया गया है एज वेल एज द एक्ट में, तो आपको तो पता ही है DTAA का जो डेफिनेशन है दैट विल प्रिवेल ओवर द एक्ट के डेफिनेशन। अगर कंपेयर करोगे तो DTAA का डेफिनेशन देन विल प्रिवेल ओवर द डेफिनेशन गिवन इन द एक्ट। एनी टर्म नॉट डिफाइंड अंडर द DTAA बट इट इज डिफाइंड इन द एक्ट, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, द मीनिंग अंडर द एक्ट वो अल्टीमेटली के अनुसार DTAA का वो टर्म को क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। DTAA का वो टर्म को इंटरप्रेट किया जाएगा, एक्चुअली ये गलत है, ये गवर्नमेंट ने बेईमानी कर दी है इसमें। पहली बात है ये DTAA क्या है, एक बायलैटरल समझौता है। अगर कोई टर्म DTAA में डिफाइन नहीं है लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो टर्म को डिफाइन कर रखा है, और ये कहते हैं कि फिर वो DTAA का जो टर्म का जो मीनिंग होगा वो आप एक्ट के टर्म के मीनिंग के अनुसार उसको इंटरप्रेट करोगे, तब तो यार ये तो यूनिलैटरल हो गया कि आपने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट को अडॉप्ट करके अल्टीमेटली वो टर्म को इंटरप्रिटेशन दे दी है जो कि एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। ये भी तो इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या वो जो दूसरी कंट्री है जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है क्या वो इस चीज को सहमति देती है, बिना उसकी सहमति के आपने एक तरफा कानून बना दिया ये कह के कि अगर ये टर्म DTAA में डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब होगा कि हमारे एक्ट में जो भी डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन के अनुसार उस टर्म को क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एथिकली गलत है। ये एथिकली गलत है, क्यों एथिकली गलत मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल समझौता है। इस वजह से जब तक सामने वाली कंट्री को इस पर्टिकुलर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट में जो टर्म डिफाइन किया गया है वो अगर उस पर राजी नहीं देते, तब तक इस तरीके से एक तरफा कानून बना देना कि अगर ट्रीटी में डेफिनेशन उस टर्म का नहीं है तो हमारे एक्ट के अनुसार उसको क्या करें, उसकी इंटरप्रिटेशन लें, तो ये तो एक तरफा वाला चीज हो जाता है। तो एथिकली ये अमेंडमेंट गलत है, लेकिन अब क्या करें, एथिक्स और टैक्सेशन ये तो दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं, ये तो आपको पता ही है। एक व्यक्ति ने चोरी करके इनकम कमाया है तो उसके इनकम पे भी टैक्स लगता है, वहां तो एथिक्स देखते नहीं हो ना कि चोरी के इनकम पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसे तो बात होती नहीं है। तो ये सब चीजें हैं स्टूडेंट्स, चलो ठीक है अब क्या करें, ऐसा लॉ बना दिया है, आपको तो अपने एग्जामिनेशन से मतलब है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये चीज होगा कि भाई DTAA में अगर कोई टर्म है जो कि उसका डेफिनेशन नहीं है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उसकी डेफिनेशन है, तो वो टर्म की इंटरप्रिटेशन एक्ट के टर्म के अनुसार ही की जाएगी। आइए स्टूडेंट्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैंने RTP देखा है, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने RTP में FTC पे क्वेश्चन डाला नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट तो हो चुका है और ये 18-19 आपका तो पहले साल बन रहा है, अब RTP पे भी उतना रिलाय नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो नॉर्मल क्वेश्चन डाल दिया, पुराने क्वेश्चन दे दिए जो PM में पाए जाते थे, यही है बेईमानी, RTP भी कर लेता है, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो ऐसे ही नतीजे बाहर निकलते हैं, और एग्जामिनेशन में फिर आप वैसे तो पेपर डालते नहीं हो, तब तो आप सर पे कफन बांध देते हो जब एग्जामिनेशन में पेपर बनाई जाती है। तो अब नोटिस करो स्टूडेंट्स क्या है ये चीज,
देखिएगा, देयर आर टू सेक्शंस जहां पे रिलीफ मिलती है. एक है सेक्शन 90 जो कि बायलैटरल रिलीफ देने का काम करता है, और दूसरा है सेक्शन 91 जो कि यूनिलैटरल रिलीफ देता है. ये दो चीज तो आपको आइडिया है. 90 जहां पे भी DTAA का एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के अनुसार अल्टीमेटली क्या होता है, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ अ रिलीफ एग्रीमेंट के अनुसार. दूसरा जो आपका 91 में है, जहां पे आपका ट्रीटी नहीं है दूसरे कंट्री के साथ, तो वहां पे 91 में रिलीफ दी जाती है. सो दैट रिलीफ इज देन ग्रांटेड इन सेक्शन 91. अच्छा, अब पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, रिलीफ देने का जो मैनर है, जो कंडीशंस है, वो एक रूल इंट्रोड्यूस किया गया है, रूल नंबर 128 ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स, रूल नंबर 128, कि किस तरीके से रिलीफ दी जाएगी और कंडीशंस क्या होंगे रिलीफ देने के, ये इन्होंने रूल नंबर 128 में कैप्चर कर दिया है. और अब रूल नंबर 128 के अनुसार ही हमें क्या देना होगा, रिलीफ देनी होगी टू दिस पर्टिकुलर केसेस. सो लेट्स हैव अ लुक कि एग्जैक्टली ये केस क्या है, और उसके अनुसार अल्टीमेटली वी विल ट्राई टू गेट आवर आंसर्स ऑन दिस वन. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग. तो अगर मैं कहूं कि मिस्टर पटेल जो है इंडिया के, इन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट से यूके में है, और से फॉर एग्जांपल दूसरा केस है से इन दिस सिनेरियो कोरिया, ठीक है. अब यहां पे बताया जाता है से फॉर एग्जांपल आपको कि इंडिया यूके का ट्रीटी है, एग्जिस्ट करता है, और इंडिया कोरिया का आपको बताया गया है DTAA नहीं है. अब देखिए क्या होगा, मिस्टर पटेल तो है रेसिडेंट इंडिया के, तो इंडिया उनके लिए होम कंट्री हो गई. और जहां तक यूके की बात मैं करूं, तो यूके बन जाएगा मेरे लिए, बताओ क्या, यूके विल देन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स कंट्री, ये सोर्स कंट्री के रूप में मानी जाएगी. कोरिया जो है, कोरिया को भी हम सोर्स कंट्री मानेंगे, ठीक है ना. तो यहां से वो इनकम कमा रहे हैं, इनकम हैज अक्रूड इस कंट्री में, तो इनकम हैज अक्रूड इन दिस कंट्री. अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि भाई सोर्स कंट्री तो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई इनकम हमारे यहां कमाओगे तो अकॉर्डिंग, जैसे इंडिया नहीं छोड़ता है नॉन रेसिडेंट को, उसी तरीके से सब जगह पे यही चीज एकदम क्लियर है कि सोर्स कंट्री कभी नहीं छोड़ती है अपनी राइट टू टैक्स ऑन द इनकम विच इज अक्रूड इन देयर ज्यूरिस्डिक्शन. तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि इस पे यहाँ पे से कह सकता हूँ TDS डिडक्ट हो गया होगा, इन्होंने टैक्स TDS डिडक्ट हो गई है इस इनकम पे, और अब यहां पर भी TDS डिडक्ट हो चुकी है, ठीक है ना. अब आते हैं इंडिया में. अब स्टूडेंट्स एक चीज मुझे बताएं, अगर मिस्टर पटेल जो है इसकी इनकम टैक्स हो रही है कहां पे, इन यूके, इनकी इनकम अगर टैक्स हो रही है इन यूके, तो क्वेश्चन सामने आता है इंडिया यूके DTAA ये कहता है, ध्यान से सुनना, दो चीज कह सकता है कि ये इनकम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में टैक्स होगी, मतलब कि होम कंट्री में टैक्स होगी, सोर्स कंट्री में नहीं होगी. अगर इस तरीके से अगर बात रखी गई है DTAA के अंदर, तो एक चीज पक्की बात है कि यूके उस इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकता. यूके जो कि एक सोर्स कंट्री है, क्योंकि DTAA इजाजत नहीं देता उनको टैक्स लगाने का, तो वो TDS भी डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अगर इन्होंने TDS डिडक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये साफ जाहिर है कि DTAA में अनुमति है कि ये जो इनकम है इस पे टैक्स लगेगा कहां पे, इन द सोर्स कंट्री,
ये जो इनकम है इस पे टैक्स लगेगा इन द सोर्स कंट्री. चलो अच्छी बात है. अब व्हाट अबाउट दी होम कंट्री? अगर DTAA ने बोल दिया है कि सोर्स कंट्री में इस इनकम की टैक्स लगेगी, तो फिर होम कंट्री में क्या होगा? होम कंट्री में क्या होगा? तो होम कंट्री उसकी इंडिया है, होम कंट्री उसकी इंडिया है, तो होम कंट्री में क्या केस होगा स्टूडेंट्स? तो ध्यान रखना है इसको. दो ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है कि ये जो इनकम उसको यूके से आ रहा है जिसपे DTAA के अनुसार होम कंट्री में ये सोर्स कंट्री में टैक्स हो रहा है. सो व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल एट द होम कंट्री लेवल? व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल एट द होम कंट्री लेवल? दो ऑप्शन है कि होम कंट्री में इसको टैक्स ही ना लगाया जाए, होम कंट्री में इसको टैक्स ही ना लगाया जाए. कहने का मतलब क्या है? उसको आप एग्जेम्प्ट करवा दो. या फिर सेकेंड ऑप्शन देखना क्या है, उसको आप अल्टीमेटली रिलीफ दे दो. उसको आप क्या करो, अल्टीमेटली रिलीफ दे दो. एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इन्होंने क्या मेथड अप्लाई दिया है? दे हैव अप्लाइड द रिलीफ मेथड. दे हैव अप्लाइड द रिलीफ मेथड. तो इंडिया जो कि उसका कंट्री ऑफ रेसिडेंट है, अकॉर्डिंगली यहां पे रिलीफ मेथड इनको दिया जा रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने, क्योंकि आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में मिलता है, एग्जेम्पशन सेक्शन 10 में मिलता है. एग्जेम्पशन कोई सेक्शन 10 में आपने पढ़ा होगा जहां पे ये लिखता है कि एक रेसिडेंट जिसका एक इनकम अक्रू हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड एज पर DTAA ये इनकम उस सोर्स कंट्री में टैक्स होगा, देन सच इनकम विल बी एग्जेम्प्ट इन इंडिया. ऐसा कोई एग्जेम्पशन पढ़ा है आपने? नहीं है. विच देयरफॉर इंप्लाइज कि इंडिया एग्जेम्पशन नहीं देती है. इंडिया क्या करती है, वो बोलती है कि ठीक है भाई, DTAA ने कहा है कि ये सोर्स कंट्री में टैक्स होगा, लेकिन आप इतने उतावले मत हो जाओ, हम इसको अल्टीमेटली इंडिया में इनकम कंसिडर करेंगे. लीजिए पहले, क्योंकि आप रेसिडेंट हो तो आपका वर्ल्ड इनकम चार्जेबल हो जाता है. आप इसे टोटल इनकम में शामिल करो, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो नॉर्मल तरीके से, और फिर हम आपको क्या करेंगे, इस पर रिलीफ दिलवाएंगे. फिर हम आपको इस पर क्या करेंगे, रिलीफ दिलवाएंगे. तो इंडिया एग्जेम्पशन मेथड अप्लाई नहीं करता ऐसे केसेस में. इंडिया क्या करता है, दे गो विद द रिलीफ मेथड. तो रिलीफ ही मिलना है, ना कि एग्जेम्पशन. ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स. तो इसी वजह से, अच्छा ये तो हो गया यूके के लिए. दूसरा कोरिया है, कोरिया के साथ इंडिया का DTAA नहीं है. अगर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो ये तो 91 का केस है, आपको पता ही होगा कि पहले क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, और फिर बाद में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, और फिर फाइनली क्या करते हो, रिलीफ दे दो 91 में. तो अकॉर्डिंगली क्या करना होगा स्टूडेंट्स, ये मिस्टर पटेल को, ये इंडियन इनकम जो होंगे वो आप उसको कंसिडर करें. फिर जो फॉरेन इनकम है दोनों ही कंट्री से, यूके से और कोरिया से, जो भी होगा वो आप इसको आप प्रिपेयर करोगे हेड वाइज. जो भी रेलेवेंट हेड वाइज है आप कंपटीशन टोटल इनकम का करोगे. जो भी रिस्पेक्टिव, जैसे इंटरेस्ट इनकम कमाया होगा तो IFOS के हेड में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा तो IFHP के हेड में, इस तरीके से आप लेके फिर आप कंसिडर करोगे क्या, द GTI आपको लाना है, ठीक है ना. GTI के बाद देयर वुड बी अ चैप्टर 6 से का डिडक्शन है, सो दैट विल बी प्रोवाइडेड फॉर. और फाइनली फिर बाद में आ जाएगा आपका द टोटल इनकम. फाइनली फिर आपको आ जाता है टोटल इनकम और नॉर्मल तरीके से टैक्स लायबिलिटी लेकर आना. टैक्स लायबिलिटी जो भी रहेगा इंक्लूड टिल सेस, कब तक लेकर आना, टिल सेस तक लेकर आए, एंड देन देयर आफ्टर रिलीफ आप दोगे. रिलीफ आप देंगे, पहला होगा सेक्शन 90 रेड विथ व्हाट, रूल 128 फॉरेन टैक्स रेट रूल का, ये आपको देना है. और फिर दूसरा होगा आपका सेक्शन 91 रेड विथ रूल 128. आप ये रिलीफ दोगे रूल 128 पढ़ के, और फिर जो आएगा ये आ जाएगा आपका टैक्स पेबल रिलीफ देने के बाद. तो ये तरीका होगा कॉम्पिटिशन का, मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया है. इस तरीके से आप क्या करोगे, अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे.
तो जल्द से जल्दी फॉर्मेट कैलकुलेट कीजिए और फिर आइएगा एफटीसी रूल्स पेज 109, एफटीसी रूल्स पेज 109। अभी के लिए सब लोग सिर्फ पेज 109 एंड 110 ये अच्छे से पढ़ेंगे और फिर क्या होगा, अगली क्लास में हम लोग एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बन सकता है एग्जामिनेशन में वो हम लोग अल्टीमेटली चर्चा करेंगे, विच इज वेरी एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो पहले तो स्टूडेंट्स ये आपने कॉपी कर लिया, तो आइए फिर पेज 109 में पहले कॉपी कर लो जल्द से जल्द, एंड देन पेज 109। ऊपर क्या लिखा है हमने, ऊपर तो बस यही है, हेड वाइज इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, यूके एंड कोरिया। हेड वाइज जो भी IFHP, PGBP, आपका CG, IFOS, उस तरीके से आपको हेड के मुताबिक इनकम जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, भूल जाओ कि वो फॉरेन इनकम है इंडियन इनकम है, लेकिन उसको टोटल इनकम का हिस्सा बनाना है हमें। GT आ जाएगा चैप्टर 6 से, दे देना टोटल इनकम ला के, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर देना और फिर उसके बाद ये रिलीफ की कैलकुलेशन बनेगी, ठीक है ना। चलिए अब ये स्टूडेंट्स पेज 109 में आ जाओ सब लोग, ऑल ऑफ यू विल बी देयर इन पेज 109। देखते हैं 109 में फिर क्या लिखा गया है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में इन पेज 109 क्या बताया गया है आपको, इस पे फोकस करेंगे आप लोग। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कंट्री फॉर विच अवेलेबल, पॉइंट नंबर ए वही मैंने बताया, पॉइंट नंबर बी एक वो कंट्री जिसके साथ हमारी ट्रीटी है तो सेक्शन 90 वाला केस, और दूसरा केस जिसके साथ हमारी ट्रीटी नहीं है। तो देखो पॉइंट ए, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंट्री विथ विच इंडिया हैज एंटर्ड इन टू DTAA टैक्सेस कवर्ड अंडर दैट ट्रीटी, तो ट्रीटी के अनुसार जो टैक्सेस कवर की गई है वो उसके लिए ये रूल अप्लाई करना होगा, और दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर कंट्री जिसके साथ हमारा कोई भी इस तरीके से समझौता नहीं है। द टैक्स पेबल अंडर द लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री इन द नेचर ऑफ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स की जो रिलीफ जो हम देंगे अंडर 91 तो वो बात 128 के हिसाब से तय की जाएगी, रूल 128 के हिसाब से तय की जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑफ द क्लेम, किसको एलिजिबिलिटी दी गई है रिलीफ की, ओनली अ रेसिडेंट कैन क्लेम FTC, ऑब्वियस बात है इंडिया में जो नॉन रेसिडेंट होगा वो इंडिया में रिलीफ क्यों लेगा, वो अपने कंट्री में देख लें, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया क्या होगा, सोर्स कंट्री। नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया क्या होगा, सोर्स कंट्री, और अगर सोर्स कंट्री है और अगर ट्रीटी के मुताबिक अगर हमें इजाज़त मिलती है उसको टैक्स करने के लिए तब तो हम उसको टैक्स करेंगे। अगर हमारी ट्रीटी है तो अगर मैं इंडिया अगर उसकी सोर्स कंट्री है और ट्रीटी इजाज़त देती है कि इंडिया में ये टैक्स किया जा सकता है तो डेफिनेटली हम उसको टैक्स करेंगे। और जहाँ तक ये डबल टैक्सेशन होगा तो वो इंडिया बोलेगा आप अपने होम कंट्री वालों से रिलीफ मांग लो, हम तो टैक्स करेंगे क्योंकि ट्रीटी हमें इजाज़त देती है। अगर ट्रीटी ना हो तो और अच्छी बात है, हम तो टैक्स करके ही रहेंगे क्योंकि हम क्या है, इंडिया बनती है सोर्स कंट्री। और जहाँ तक रिलीफ की बात है तो आप अपने कंट्री में देख लो, हम क्यों आपको रिलीफ की बात करें। तो जैसे मिस्टर पटेल इंडिया का रेसिडेंट है तो इंडिया को चिंता करना है रिलीफ के लिए, तो अगर लेकिन इंडिया अगर सोर्स कंट्री है, होम कंट्री नहीं है उस पर्सन के लिए, तो फिर आपको अगर ट्रीटी ने क्या दिया है, राइट दे रखा है टू टैक्स दिस पर्टिकुलर अमाउंट, तब तो हम ट्रीटी के हिसाब से उसको टैक्स करेंगे। रिलीफ की जहाँ तक बात होगी तो अकॉर्डिंगली वो उस कंट्री में ले ले, इंडिया उससे परेशान नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो रिलीफ का जो प्रोविजन है 128 में ये सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, इस वजह से मिस्टर पटेल का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। द टैक्स शुड हैव बीन पेड इन द फॉरेन कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट बेसिस पे ही क्रेडिट होगा, ये नहीं कि जैसे आपको पता है ना कि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स इंडिया में अगर आपने पे भी नहीं किया तब भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने पे भी नहीं किया तब भी आप ROI फाइल कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ पोजिशन वहाँ पर बन रहा है फॉरन कंट्री में तो भूल जाना कि आपको कोई रिलीफ करस्पॉन्डिंगली दी जाएगी, आपको पे करना पड़ेगा तब रिलीफ होगा। पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट शुड बी क्लेम फॉर करस्पॉन्डिंग इनकम ऑफर टू टैक्स, तो ध्यान रखना कि वो इनकम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, क्रेडिट आपको मिलेगा टैक्स का लेकिन वो इनकम भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, कहाँ पे, इन योर कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, इन द कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई मिसमैचिंग नहीं होगी, जैसे 26AS की बात होती है ना कि अगर TDS मेरा कोई इनकम का डिडक्ट हो चुका है और 26AS के स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट हो चुका है इस करंट प्रीवियस ईयर में,
तो जरूरी है कि वो इनकम को मैं इसी साल कंसिडर करूँ, क्योंकि तब जाके मुझे 26 AS में जो TDS डिडक्ट हुआ है उसका क्रेडिट मिल सकता है। ऐसा नहीं कि TDS डिडक्ट हो चुका है और हमने क्या किया है, वो इनकम को कंसिडर नहीं किया। मैं इनकम अगले साल दे रहा हूँ और TDS की क्रेडिट इस साल ले रहा हूँ, इनकम अगले साल और TDS की क्रेडिट इस साल, क्या ऐसा होता है? ना, आंसर इज नो। तो सेम केस यहाँ पर भी है कि अगर फॉरेन टैक्स पे हो चुका है वहाँ पे और आपको उसकी क्रेडिट खींचना है, जरूरी है कि इनकम को भी आपको अपने टोटल इनकम में शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने क्रेडिट लेना है, इनकम अगले साल देख लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिचुएशन ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर पॉइंट बनती है इस कॉन्टेक्स्ट में। अगला पॉइंट क्या है, किस फॉरेन टैक्स क्रेडिट आपको दिया जाएगा, तो वो है इनकम टैक्स, टिक मार्क किया गया, सरचार्ज एंड सेस वो भी है ठीक, इंटरेस्ट पेनाल्टी पे कोई क्रेडिट नहीं और ना ही डिस्प्यूटेड फॉरेन टैक्स पे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉसिबिलिटी होगा स्टूडेंट्स कि आपने फॉरेन टैक्स पे कर दिया है, जैसे कि हम करते हैं ना यहाँ पे कि हम टैक्स पे करके अपील में जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ पर भी उस कंट्री में आपने टैक्स पे कर दिया होगा, लेकिन आप फिर क्या करते हो फॉरेन कंट्री में उसको आप आगे अपील पे लेकर जाते हो। तो अगर आप अपील पे गए हो तो उस पर्टिकुलर टैक्स जो आपने पे किया उस पर क्रेडिट आप तभी उस साल नहीं ले सकते हो। तो क्रेडिट आपको बताओ किस साल दी जाएगी, जब ये पर्टिकुलर डिस्प्यूट सेटल होगा उस साल ही आप क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहेंगे, उस साल ही आप क्या है क्रेडिट के लिए एलिजिबल रहेंगे जिस साल डिस्प्यूट सेटल हुई है उस साल। अच्छा, ये तो इनिशियल कंडीशन है स्टूडेंट्स, कंडीशन है इनिशियल जो कि ध्यान रखना है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग द क्रेडिट। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो ये है द कॉम्पिटिशन ऑफ क्रेडिट। अब कॉम्पिटिशन ऑफ क्रेडिट में देखो, कॉम्प्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉर ईच कंट्री, ईच सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉर ईच कंट्री, ये दोनों चीज है। तो जैसे मैंने अपने इसमें देखा था यहाँ पे 90 में, तो कंट्री तो हमारा तो चलो ठीक है समझ में आ गया यूके, लेकिन वो जो सोर्स है लाइक हो सकता है कि मुझे यूके से दो इनकम आ रहे हो, कैपिटल गेंस का एक इनकम, दूसरा IFOs का इनकम, तो मैं दोनों का इंडिविजुअली क्या करूंगा क्रेडिट लूंगा 120 के अनुसार, दोनों का इंडिविजुअली मुझे क्रेडिट लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि दोनों इनकम को जोड़ के फिर बाद में एक ही क्रेडिट मैंने लेना है, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर यूके से दो इनकम अगर आपने कमाया है तो ईच ऑफ द इनकम पे रेलेवेंट क्रेडिट अमाउंट आपको कंसिडर करना होगा। सो दिस इज वॉट द पोजिशन शैल बी। सो कंप्यूट फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम एंड फॉर ईच कंट्री, क्या करना होगा, लोअर ऑफ टैक्स पेबल अंडर द एक्ट एंड द फॉरेन टैक्स पेबल। नाउ क्रेडिट शैल बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्जन। देखो क्रेडिट क्या करोगे, वो जो फॉरेन टैक्स, अभी प्रॉब्लम क्या है आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स, कि जो फॉरेन टैक्स जो आपने पे किया है वो तो आपने US डॉलर में किया रहेगा, फॉरेन करेंसी में पे किया होगा, अब उसकी क्रेडिट चाहिए तो उसको अल्टीमेटली INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो INR में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन रेट क्या होगा आपका, तो देखो कल की क्लास में भी मैंने जो बात रखी थी जब हम लोग टैक्स वो अपने LTCG के टैक्स रेट देख रहे थे फॉर नॉन रेसिडेंट एंड ऑल, तो यहाँ पर भी वही पॉइंट आ रहा है कि भाई व्हाट इज द कन्वर्जन रेट ऑफ द फॉरेन टैक्स। तो TT बाइंग रेट लिया जाएगा किस दिन, द लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड। सिंपल एग्जाम्पल के रूप में, अगर सितंबर में मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, सितंबर 2017 में अगर मेरा क्या है TDS डिडक्ट हुआ है, तो फिर मुझे 31 अगस्त को TT बाइंग रेट जो रहेगा वो रेट अप्लाई करना होगा ऑन द FTC दैट हैज बीन डिडक्टेड, फॉरेन टैक्स अमाउंट जो डिडक्ट हुआ है उसको अल्टीमेटली मुझे 31st अक्टूबर का TT बाइंग रेट से कन्वर्ट करना है, INR में लाना है, और वही INR का क्रेडिट 128 के हिसाब से फिर मुझे उसका दिया जाएगा। The foreign tax credit will be available in the year in which the foreign income is submitted to tax in India. मैंने वही ऊपर बताया था आपको, तो वो corresponding income को भी आपको offer करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप credit उठाएं, income को आप total income में रखोगे नहीं, ये possible नहीं है। तो corresponding income को भी आपको रखना पड़ेगा और उसके मुताबिक आप क्या करोगे, FTC का credit उठा लोगे। अब students ये MAT और AMT का credit पे एक question है, तो वो हम लोग करने वाले हैं, ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इस पे दो क्वेश्चन बन सकता है, एक तो नॉर्मल क्वेश्चन FTC के क्रेडिट के हिसाब से और दूसरा होगा मैट पे FTC की क्या है पॉइंट, ये दोनों चीज अल्टीमेटली ये दो पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। आप लोग स्टूडेंट्स पेज 110 एक बार पढ़ लो, ये जो कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन FTC में फॉर्म नंबर 67 ये सब चीज और ड्यू डेट, इसको एक बार रीड करके चलना,
And after that, students, we will start with the next particular class mein practical problems karenge. In all this particular, do question hoga. Ek hoga mat credit ka question. Aur dusra maine aapko bataya tha, kya tha wo? Foreign tax credit ka normal question. Finally, uske baad, agli class mein students, secondary adjustment, transfer pricing pe bhi bahut important amendments hue hain. Uski charcha kar ki jayegi comprehensively. So the amendments relating to transfer pricing, we will look upon to that carefully. So ye agle particular area iska ye hoga. And saath hi saath hum log assessment ki taraf bhi badh jayenge. Assessment ki taraf bhi badh jayenge, and that exactly what we will deal with it. So next mujhe lagta hai aur do class aur hai jahan pe lagbhag ab aap completion level par aa jaoge. To chalo students, isko read karke rakhna, and I'll see you in the next class. Thank you very much.